हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। और बच्चों, मैं आप लोगों से आज कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं पढ़ाने से पहले। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन 3 महीनों में हम लोगों ने बहुत ही कष्ट झेले हैं। कुछ मेरे साथ के सहयोगी जो कि बहुत इस समय डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, वे लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाता रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों से आज कुछ कहना चाहता हूं। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, वीडियो अपलोड करने के लिए भी नेट की जरूरत पड़ती है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इन 3 महीनों में हमने लोगों से बहुत ही कर्ज लिए। मैं नहीं चाहता था आप लोगों से बातों को शेयर करना, बट मुझे आज करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों का जो नेट है अब कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो मैं शायद ही आप लोगों को पढ़ा पाऊं क्योंकि अब हमारे अंदर अब किसी से भी कर्ज लेने की अब हिम्मत नहीं रही। 3 महीनों में हमने बस कर्ज लेकर के किसी तरह मैं अपना खर्च और नेट पैक कराता रहा हूं। और हमने सोचा था कि जुलाई में कुछ न कुछ इनकम होने की संभावना, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब कुछ इनकम का जरिया हम लोगों के पास बचा है। तो बस मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, प्लीज़ सारे ग्रुप में आप लोग शेयर करिए। मैं आप लोगों से एक भी पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बस मैं आप लोगों से बस शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। प्लीज़ अगर हो सके तो प्लीज़ हम लोगों के लिए शेयर कर दीजिए ताकि हम लोगों के भी कुछ YouTube के माध्यम से अर्निंग हो जाए, हम लोगों को किसी से कुछ मांगना ना पड़े। तो प्लीज़, और जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिन हुए हम लोगों को, जहाँ हम लोग पहले वीडियो बना रहे थे वहाँ का रूम हम लोगों को छोड़ना पड़ा पैसे की वजह से। किसी गार्जियन ने हम लोगों की मदद की, हम लोग किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हुए हैं और हम लोगों ने उनसे वादा किया था कि कुछ ही दिनों में आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अब मुझे कोई भी संभावना नहीं लग रही है। तो प्लीज़
आप लोग जितना हो सके प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और मेरा पूरा स्टाफ उतने ही फुल एनर्जी से काम कर सके। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोग इग्नोर मत करिएगा। अगर आप लोगों की इच्छा रही, सपोर्ट रहा, तो मैं जल्द ही आप लोगों का लाइव क्लास लूँगा। क्लास 9, 10, 11, 12 सबकी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। यदि आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहा तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब हमारे अंदर अब इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, एक एक दिन कैसे बिताना पड़ रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग वीडियो बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़ करके हम लोग बाहर हैं, घर तक नहीं गए, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई बाधित ना हो। इसलिए हमारी पूरी टीम चनिया में ही रुकी रह गई, कोई नहीं गया घर पर, ताकि आप लोगों की जो वीडियो है डेली बनती रहे। घर जाने पर उतना फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो सो प्लीज़, यदि हम लोगों अगर आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए इतना कर दीजिए कि वीडियो का आप जितना भी अधिक से अधिक हो सके प्लीज़ बच्चों शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग आज पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आज बहुत ही सेशंस में मज़ा आने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, आपको सॉल्व करने हैं सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में, जैसा कि आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के प्लेलिस्ट खोलिए। उसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूँ। और आज मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम लोग आज वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। बच्चों, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है 4x + 3y + 3y = 8 और जो सेकंड आपका इक्वेशन है 6x - 4y = कितना आपका -5। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, उसके बाद करिए। देखिए आपका यहाँ देखिए 4x, x आपका देखिए फ्रैक्शन में है। अगर यहाँ 4x रहता प्लस 3y रहता तो आपके लिए आसान होता ना, लेकिन कुछ अलग है। तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में, जब भी अगर आपका x 1x करके हो और आपका y भी 1y करके हो, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि 1x को हम u लेट कर लेते हैं और 1 अगर y रहता तो हम उसको b लेट करते हैं। या तो 1x को आप मर्जी या p लेट करिए या q लेट करिए 1y को, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, अगर देखिए x आपका नीचे है, फ्रैक्शनल है, तो देखिए इसको 4x है, तो 4x का मतलब क्या हुआ बताइए, 4 × 1x हुआ। क्लियर है? अब देखिए हम 1x को हम मानने वाले हैं क्या, u। देखिए आपका इजी हो जाएगा। देखिए लेट करेंगे बच्चों, 1x = u। हमने क्या बताया कि 1x को क्या मान लीजिए, u, और यहां आपका देखिए वैल्यू 3y है। अगर आपका 1y रहता तो हम 1y को हम भी मान लेते। आगे मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, क्लियर है यहां। लेकिन फिलहाल में आपका 1x है, तो 1x को आप क्या मान लीजिए, u मान लीजिए। अब देखिए, जब 1x को अगर u लेट करेंगे तो देखिए इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए आपका 4 आपका तो रहेगा ही। देखिए इस 1x के जगह आपका u, क्लियर है, आपका हो जाएगा 4u प्लस
आपका देखिए 3y इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 8, क्या हो गया आपका 8 हो गया। उसके बाद देखिए आपका 6x है, तो इसको लिख सकते हैं 6x को 6 × 1x लिख सकते हैं। तो देखिए 1x की जगह कितना u, तो इस इक्वेशन का क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, 6u − 4y इज इक्वल टू −5। आप देख सकते हैं इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर कितना सेकेंड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, जब भी देखिए कि आप जो एक्स है वो आपका फ्रैक्शन में दिया हो तो ऐसे कंडीशंस में 1x को यू मान लेते हैं, अगर 1y रहता तो उसको हम बी मानते, लेकिन नहीं है तो उसको छोड़ देंगे वैसे ही। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाता हूँ। देखिए एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि वाई के कोएफिशिएंट के दोनों इक्वेशंस के वाई के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं, या तो क्या यहाँ देखिए यू है तो यू के कोएफिशिएंट को आप क्या कर सकते हैं सेम बना सकते हैं। चलिए मैं इसमें वाई के कोएफिशिएंट को क्या बनाता हूँ सेम, तो वाई के कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा बहुत ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है या आपका सेकेंड है, तो देखिए यहाँ वाई का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो वाई के कोएफिशिएंट 3 से आपको क्या करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर सेकेंड में दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इक्वेशन नंबर सेकंड के y के कोएफिशिएंट 4 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशनों का क्या होगा आपका सेम बन जाएगा। मतलब देखिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12, ये कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12, क्लियर है। अगर y का दोनों कोएफिशिएंट फर्स्ट का सेकंड का सेम बन गया तो अगर दोनों की अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड कर देंगे और सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वाई क्या हो जाएगा वाई वाला टर्म इलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए हम उसको करके दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए अब क्या करें, मैं आपको यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ 4u + 3y आपका इक्वेशन देख सकते हैं आपका फर्स्ट है। इसमें क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में देखिए इस वाले वाई का कोएफिशिएंट मतलब 4 से क्या करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिख भी सकते हैं देखिए ऐसे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई कितना आपका 4 एंड सेकेंड बाई सेकेंड को किससे करेंगे इस वाले वाई को कब से मतलब आपको 3 से करना पड़ेगा। चलिए करिए कितना हो जाए, देखिए अब इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे दोनों में करेंगे ना, तो 4 × 4 = 16u + 4 × 3 = 12 क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका वाई है, क्या है आपका ये वाई है, तो इसको यू करेंगे यू लिखेंगे आपका वाई है इज इक्वल टू 8 × 4 = 32। चलिए इसको क्वेश्चन में क्या बना लीजिए थर्ड, क्लियर है। अब देखिए आपको इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या देखिए 6u − 4y इज इक्वल टू कितना −5 है, तो सेकेंड में आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, क्लियर है। चलिए कर दीजिए यहाँ देखिए क्या कर दीजिए 3 का मल्टीप्लाई इधर भी और 3 का मल्टीप्लाई इधर भी, उसके वैल्यू में कोई फर्क भी नहीं होगा और हमारा क्या हो जाएगा काम हो जाएगा। देखिए तो इस 3 कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 6 = 18u − 3 × 4 = 12y इज इक्वल टू कितना जाएगा −5 × 3 कितना हो जाएगा −15 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन में क्या लिख कर सकते हैं आप लोग 4 लिख कर सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड देखिए और इक्वेशन नंबर क्या देखिए 4 देखिए, देखिए तो थर्ड में क्या देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है आपका +12 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है −12, मतलब जो आपके साइन है वो डिफरेंट साइन, अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो इस कंडीशन में दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तब जा करके y वाला जो टर्म है इलिमिनेट होगा, क्लियर है। तो चलिए आप लिख सकते हैं स्टेप लिखिए आप एडिंग, क्या लिखिए बच्चों मेरे साथ लिखिए सारे लोग, तो एडिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड कितना 4, थर्ड एंड 4 को ऐड कर दीजिए। चलिए मैं आपको इधर ऐड करके दिखा देता हूं, बताइए आप लोग मेरे साथ बोलिए थर्ड क्या क्वेश्चन, देखिए आपका 16u + आपका 12y इज इक्वल टू 32, क्या आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल। चलिए 18u आपका सेकेंड इक्वेशन जो आपका फोर्थ है 18u − 12y इज इक्वल टू −15, ये आपका थर्ड इक्वेशन था, ये आपका क्या है 4 है, दोनों को ऐड करना है। चलिए ऐसे करके आप ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये +12y है और ये −12y है, तो बच्चों बताइए क्या हो जाएगा कैंसिल होगा ना। अब चलिए
अब 16 U है अब प्लस 18 U है, ऐड कर दीजिए लाइक टर्म्स है, कितना हो जाएगा 8 6 14 कितना 14, 1 1 2 और 2 1 कितना 3 कितना, तो 30 क्या हो जाएगा 34 U इज इक्वल टू, इधर देखिए क्या हो जाएगा, चलिए माइनस कर लीजिए, देखिए प्लस एक माइनस है तो कितना हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा आपका कितना 7 5 12 मतलब आपका कितना हो जाएगा बताइए, आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 में से गया 1 मतलब आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 17 अपॉन 34, तो कितना हो जाएगा 17 1 17 17 कितना 2 34 37 34 तो U का मान बच्चों कितना आ गया आपका 1/2। अब क्या करेंगे इस U की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकेंड में रख सकते हैं, आपकी जो दूसरी वाली वैल्यू है Y की वैल्यू आ जाएगी, तो लिख दीजिए पुटिंग, लिख सकते हैं पुटिंग U is equal to 1/2 इन इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट, तो फर्स्ट है क्या लिख लीजिए एक बार अच्छे से 4U प्लस 3Y इज इक्वल टू आपका 8, देख सकते हैं आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, चलिए U का मान कितना 1/2, जहां U है वहां आपको पुट करने 1/2, देखिए 4 इंटू यू की जगह 1/2 प्लस 3Y इज इक्वल टू कितना के 8 के, तो कितना जाएगा बच्चों बताइए, तो 3y इज इक्वल टू, या इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये 4 इंटू 1/2 है तो इसको कट कर दीजिए, 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4 मतलब 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8 के, तो 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 मतलब आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इसका मतलब 3y इज इक्वल टू 6 के, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, देखिए 3 2 जा आपका 6 मतलब y की वैल्यू कितना आ गई आपकी 2 आ गई, तो y की वैल्यू 2 आ चुकी है, लेकिन आपका u इज इक्वल टू 1/2 है और चाहिए क्या x चाहिए, तो आपने क्या माना बताइए 1/x इज इक्वल टू आपने माना है u, कोई दिक्कत, चलिए u की वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू कितना आपकी 1/2 मतलब 1/x इज इक्वल टू 1/2, जब 1/x इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x का 1 में करिए कितना हो जाएगा बताइए आपका x होगा, इज इक्वल टू 2 का 1 में करिए कितना हो जाएगा आपका 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, तो फाइनली आप लोग आंसर लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ चलेगा, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए तो फाइनली आपका जो आंसर होगा x इज इक्वल टू 2 और आपका y इज इक्वल टू भी कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो फाइनली आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू 2 और आपका y इज इक्वल टू 2, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पोज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेहतर यही होगा कि मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो उसी समय आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखें पेन और कॉपी के साथ देखें, मेरे साथ साथ करते रहें तो आप लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट मिलेगा, तो चलिए एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन दोबारा करने की जरूरत है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन एक बार और कर दे रहा हूँ, देखिए ऐसे कंडीशंस हैं जब भी देखिए कि अगर 1/x है और 1/y है तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि 1/x को यू मान लेते हैं, 1/y को क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ताकि आपका ऐसा इक्वेशन बन जाए इसको सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है इसलिए ऐसा मान लेते हैं, तो होगा क्या कि यहाँ देखिए 1/x था इसको क्या मान लिया गया यू, और वाई आपका था 1/y नहीं था, अगर 1/y रहता तो हम क्या मान लेते बी, लेकिन नहीं है इसको छोड़ देंगे, तो 1/x की जगह u, तो यहां देखिए 1/x है यहां भी 1/x है, जब u लिखेंगे तो आपका इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगा, अब देखिए y का कोएफिशिएंट आपको क्या करना था इक्वल बनाना था ना, जब इक्वल बनाना है तो ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें और 3 का मल्टीप्लाई इसमें दोनों पक्षों में कर देंगे और y वाला कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बराबर, एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा क्या मल्टीप्लाइंग इक्वेशन में फर्स्ट बाय 4 एंड सेकेंड भाई आपको 3 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों पक्षों में किसका 4 का मल्टीप्लाई करने पर आपका इक्वेशन ही तैयार हो गया, और इक्वेशन नंबर आपका देखिए सेकेंड में दोनों पक्षों का मल्टीप्लाई क्या दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई करने पर आपका इक्वेशन ही तैयार हो गया, इसको 3 और 4 मान सकते हैं, जो दोनों की क्या करिए ऐड कर दीजिए, वाई वाला देख सकते हैं टर्म एलिमिनेट हो गया, ये कितना 34 U = 17 की यूज कितना 1/2 का यू का मान किस इक्वेशन में पुट कर देंगे बच्चों, तो आपका क्या आ जाएगा वाई का मान आ जाएगा जो y की वैल्यू कितना गई आपके 2, तो फाइनली आपने u और y का भी मान निकाला, x का मान नहीं निकाला क्योंकि आपने माना था 1/x = u, क्लियर है, तो u का मान कितना 1/2 अक्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू क्या कर सकते हैं निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन था, प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो अब हम लोग चलेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो करते हैं आपका बच्चों जैसा कि मैं आपको बार-बार बता रहा हूं कि
बहुत ही हम लोग विषम परिस्थिति से गुजर रहे, हम ही नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं सभी लोग विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और मैं आप लोगों से बता दूं कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने प्रयास किया था कि रूम पर ही कुछ बच्चे, दो चार बच्चे आके अपना पढ़ लेंगे, कुछ अपना खर्च पानी चल जाएगा। लेकिन हम लोगों को शायद आपसे मैं क्या बताऊं, पढ़ाने के लिए भी मना कर दिया गया। मतलब हम लोग अपना काम बिल्कुल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कुछ आमदनी हो जाती थी इन तीन महीनों में। सोचिए आप लोग, जरा सोच के देखिए कि बाहर हम लोग रहते हैं, किसी से कितना कर्ज लेंगे। कर्ज लेते लेते तीन महीने हो गए, अब हम किसी से कर्ज कैसे मांगे। तो प्लीज़ आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पर काम करता रहूं और आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि मैं बना रहूं। कि ऐसा ना हो कि मुझे यूट्यूब से नेट ना होने की वजह से, व्यवस्थाएं ना होने की वजह से, रूम ना होने की वजह से मुझे अपना काम बंद करना पड़े, मैं ऐसा कतई नहीं चाहता हूं। तो प्लीज़ आप लोगों के बस मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। बच्चों अगर मैं बना रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो मैं बच्चों जल्द ही आपका 9th, 10th, 11th, 12th और कंपटीशन की वीडियो लगातार बनाने वाला हूं। बस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस समय मैं आप लोगों से एक भी पैसा नहीं मारूं, बस आपको बस इतना करना है कि वीडियो को जितना भी अधिक हो सके प्लीज़ आप अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड सारे फ्रेंड को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और जितने लोग भी नए चैनल पर, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूनिक परिवार के साथ जुड़ जाइए और इस मैथ के सेशन का आप लोग भरपूर आनंद उठाइए। तो चलिए हम लोग आपको करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, देखिए क्या है आपका। बिल्कुल आपको घबराना नहीं बच्चों, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं और सारे के सारे आज आपके पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका 1/, वो ध्यान से देखना, 1/ आपका 2x माइनस 1/ वाई इज इक्वल टू आपका -1 है। अगला आपका क्वेश्चन है बच्चों, कामा है 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू आपका क्या है, 8 है। ठीक, तो मैं आपको सबसे पहले इसका हिंट दे दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि जब भी 1/x 1/y करके आए तो आपको u मानना है और v मानना है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से, क्लियर है। तो देखिए, तो 1/x को आप u मान करके और 1/y को भी मान करके वीडियो पोस्ट करके आप लगा सकते हैं, या तो आप मेरे साथ प्लीज़ पेन और कॉपी सारे लोग उठा लीजिए। क्या सभी लोग पेन और कॉपी उठा चुके हैं? सच बोलिए, क्या सारे लोग पेन और कॉपी उठा चुके हैं? चलिए ठीक है, मुझे आशा है कि सारे लोग पेन और कॉपी उठा चुके होंगे। चलिए मेरे साथ लग जाइए, चलिए सभी लोग अपने कॉपी पे लिखिए, लेट करिए। लेट 1/x इज इक्वल टू यू, क्या सब लोग लेट कर चुके हैं? मैंने क्या बोला कि 1/x इज इक्वल टू यू, क्या लिख चुके हैं सारे लोग? आगे देखिए, कामा 1/y इज इक्वल टू वी, 1/y इज इक्वल टू वी, लेट कर चुके हैं आप लोग? बिल्कुल, चलिए मेरे साथ साथ आप लोग चलिए। अब देखिए यहाँ आपका, देखिए क्या है कि 1/2, देखिए आपका 1/2 रहने दीजिए। अब देखिए 1/x है, बहुत बच्चों ध्यान से देखना है, आपका 1/x है तो 1/x के जगह आपने क्या लिखा तो बताइए, u लिखा, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, u अपान की 2 हो जाएगा। क्या आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा? देखिए 1/2x था तो 1/2 को रहने दीजिए। अब देखिए 1/x को मैंने लिख दिया u,
अगर नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको करके साइड में दिखा रहा हूँ। देखिए वन बाई आपका क्या है, 2x है, तो 1 बाई 2x को आप लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स, आया समझ में। देखिए 1 बाई 2x को लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स को आपने क्या माना है, u। चलिए यहाँ क्या लिख दीजिए, u, कोई दिक्कत। देखिए 1 बाई आपका 2 है ही और 1 बाई एक्स u मान लिया, तो देखिए u अपन कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1, तो u को मल्टीप्लाई ऊपर और 1 को मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना हो जाएगा u अपान के 2। तो मैं वहीं तो लिख रहा हूँ, देखिए 1 बाई 2x को मैं लिख रहा हूँ आपका u अपान के 2, क्योंकि आपका 1 बाई एक्स को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, और नीचे आपका 2 है तो नीचे 2 डिनोमीटर में आपका रह गए। क्लियर है? और आपको कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों, जब आप लोगों को लाइव क्लास लेने लगूंगा तो बच्चों बहुत मजा आने वाला है, तो प्लीज़ इतना सपोर्ट करिए कि मैं आप लोगों को लाइव क्लास लेकर के और आपको हर एक क्लास की, मैंने बोला बच्चों जितने भी बच्चे आपके 9, 10, 11, 12 के होंगे सारे लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि नीचे क्लास लोअर क्लास भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे 8, 9 हो गया, 8, 9 का भी पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग सारे क्लासेस के आपके लाइव क्लास स्टार्ट कर दें। लेकिन आप लोगों को प्लीज़ सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। देखिए आपका u बाई आपका 2 हो जाएगा, फिर देखिए माइनस, देखिए 1 बाई वाई, 1 बाई वाई की जगह कितना हो गया आपका b, तो 1 बाई वाई की जगह b इज इक्वल टू कितना के बच्चों, माइनस 1 के। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके अच्छे से इक्वेशन बना लीजिए, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या ax प्लस बी वाई इक्वल टू आप c के फॉर्म में बना लीजिए। देखिए तो इसके अपन कुछ नहीं क्या करिए, 1 कर लीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा आपका u माइनस इसका कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस 2 के, कोई दिक्कत। इसको अब इक्वेशन में क्या बना लीजिए, आपका फर्स्ट तैयार हो गया। अब देखिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स को लिख दीजिए बच्चों आपका कितना, 1 बाई एक्स को u, बातों को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इस पर काम करने जा रहा हूँ। 1 बाई एक्स को क्या लिख दिया, u, देखिए सॉरी 1 बाई एक्स को आप u लिखेंगे ना, ये 1 बाई एक्स है तो 1 बाई एक्स को u आपका हो गया प्लस। देखिए 1 बाई 2 वाई है तो 1 बाई 2 वाई को लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 बाई वाई ना। अब देखिए 1 बाई 2 इंटू 1 बाई वाई को क्या लिख सकते हैं, b, इसका मतलब लिख सकते हैं सब मिला जुला के b अपान के कितना 2, तो देखिए 1 बाई 2 वाई को लिख रहा हूँ मैं बच्चों, b अपान के कितना आपका हो जाएगा 2। देख सकते हैं बच्चों सिंपल था आपका, 1 बाई आपका जो 2 डिनोमिनेटर में तो रहेगा ही, और 1 बाई वाई को हमने लिख दिया कितना b, तो कितना जाएगा b अपान के 2 इज इक्वल टू आपका कितना है 8 है। अब इसके अपन कुछ नहीं 1 मानिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2u प्लस 1 का b में b ही रहेगा अपान के 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2u प्लस b इज इक्वल टू 8, 2 जा कितना हो जाएगा 16, और इक्वेशन में इसको क्या बना लीजिए सेकेंड। क्लियर है? और अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट ए है और इक्वेशन सेकेंड ए है और आपको सॉल्व करना है, और आप चाहते हैं बच्चों कि आपका यहाँ वाई का क्वेश्चन माइनस 2 है, यहाँ वाई का क्वेश्चन कितना है आपका 1 है ना, तो आप क्या करिए बस इक्वेशन नंबर सेकेंड में ही बस अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ आपका 2 भी है तो यहाँ भी आपका 2 भी हो जाएगा, और साइन डिफरेंट जोड़ देंगे, बताइए हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो आप वीडियो पोस्ट करके आप लगा सकते हैं, या तो मेरे साथ आप चल रहे हैं तो मेरे साथ चलिए, बेहतर होगा कि वीडियो पोस्ट करके आप काम करिए, फिर बाद में आप आंसर क्या कर लीजिएगा मेरे साथ मिला लीजिएगा। तो देखिए बस मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में बस मैं आपका 2 का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, फर्स्ट में करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 2 भी ऑलरेडी है, तो यहाँ आप देखिए इसका बस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो बस लिखना है, बस एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए बहुत, देखिए आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर अच्छे से लिखते हैं हर एक स्टेप लिखते हैं तो जब आपकी कॉपी चेक होती है तो उसका प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ता है, प्लीज़ तो इसका लिखा करिए। देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई 2, क्लियर है? इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप क्या करिए दोनों पक्षों में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो आपका क्या बताइए, ऐसे कर लीजिए 2u प्लस b इज इक्वल टू आपका 16 है, देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 आपका ही है, देख सकते हैं आपके सामने दोनों पक्षों में 2 का मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसको ऐसे ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, तो 2 का इधर भी मल्टीप्लाई और 2 का क्या आपका राइट साइड में भी मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा देखिए 2 2 जा 4u प्लस कितना हो जाएगा
टू बी इज इक्वल टू 16 जा 32। इसको एक क्वेश्चन नंबर आप क्या बना सकते हैं, थर्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका फर्स्ट क्या है, माइनस टू बी, और देखिए थर्ड में क्या हो गया, प्लस टू बी। देखिए यहां साइन माइनस और यहां साइन क्या है, प्लस है। जब माइनस प्लस है तो बताइए, आप लोग बताइए क्या करेंगे, मैं प्लस करूं दोनों क्वेश्चनों को, मतलब थर्ड को फर्स्ट को, कि सब्ट्रैक्ट करूं, बताइए क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, नहीं, क्यों, क्या करना बताइए। तो ए माइनस है और ये क्या है, प्लस है, डिफरेंट साइन है ना, जब डिफरेंट साइन हो तो ऐड करते हैं बच्चों, जब सेम साइन हो या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो तब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। चलिए ठीक है, अब चलिए फर्स्ट क्या देखिए, लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, क्या बताइए, u माइनस टू बी इज इक्वल टू आपका माइनस टू है और आपका थर्ड क्या है, 4u प्लस टू बी इज इक्वल टू कितना है, 32 है। ऐड करना बच्चों, चलिए ऐड करिए, बताइए क्या, ए माइनस टू बी है प्लस टू बी है, आपका क्या हो गया कैंसिल, 4u प्लस u कितना, 5u ना, कितना 32 है, माइनस टू है, सॉल्व करेंगे कितना आपका 30 हो जाएगा, 32 में से दो जाएगा 30 होगा, क्लियर है। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, मतलब कितना, u इज इक्वल टू 6, आपका u का मान आ चुका है। अब क्या करेंगे, इस u की वैल्यू किसी न किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, v की वैल्यू आ जाएगी। तो एक लाइन लिख दीजिएगा, पुटिंग u इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में ही पुट कर दीजिए। फर्स्ट आपके सामने क्या देखिए, आपका u माइनस टू बी इज इक्वल टू आपका माइनस टू है, इक्वेशन फर्स्ट आपका यही है, क्लियर, देख सकते हैं आप, u माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू है और u का मान कितना 6, चलिए u की जगह 6, माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस टू के, देखिए आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, देखिए इस 6 को रहने दीजिए, ये जो माइनस टू इसको इधर लाइए, क्लियर है, ट्रांसपोजिंग माइनस टू टू द LHS, then we get 6 + 2 is equal to, ये जो माइनस टू बी है इसको ट्रांसपोज कर दीजिए किधर, राइट साइड, तो कितना हो जाएगा, माइनस टू बी उधर जाएगा तो आपका 2b हो जाएगा ना, मतलब साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो 6 + 2 कितना आपका होगा, 8 इज इक्वल टू कितना के, 2b और 2 × 4 = 8 आपका 8, 2 × 4 = 8, मतलब आपकी जो v की वैल्यू आ गई फाइनली कितना आ गई, v की वैल्यू कितना आ गई आपकी 4 आ गई, देख सकते हैं 8 इज इक्वल टू आपका 2b है बच्चों, आपका 8 है, क्लियर है, आपका 8 है, कट करेंगे आपका तो 2 × 4 = 8, तो v की वैल्यू कितना आ गई 4। अब आपका u और v का मान आया है, अब आपको यहाँ पर खुश नहीं होना, ऐसा नहीं कि आपको यहीं पर u और v का मान लिख करके खुश हो गए, ऐसी बात नहीं है, आपको सॉल्व करना x और y के लिए ना, तो आपने क्या माना बताइए, 1/x, ठीक है। नाउ देखिए आपका क्या है, जो माने आपने आप लोगों ने माना है कि 1/x इज इक्वल टू आपने u माना है, क्लियर है, अब 1/x इज इक्वल टू u माना है तो u की वैल्यू बताइए कितना, u की वैल्यू कितना देखिए आपका 6, तो देखिए इज इक्वल टू क्या रख देंगे आपका 6, इसका मतलब कि अगर 1/x इज इक्वल टू 6 है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/6 हो जाएगा, बोलिए कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इसके अपान क्या करेंगे 1 करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना के 1/6, ऐसा कर सकते हैं, या दोनों पक्षों के हम यहाँ क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, x ऊपर चला जाएगा 1 नीचे और 1 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे, मतलब x की वैल्यू कितना होगी 1/6 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे आपको दिखाई दे रहा, बिल्कुल चलिए आप 1/y इक्वल टू आपने क्या लेट किया था, v लेट किया था, अब देखिए v की वैल्यू कितना आप मिला लीजिए, v की वैल्यू आपने कितना निकाला 4 निकाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/y इक्वल टू कितना के 4 के, क्या कर दोनों पक्षों का रेसिप्रोकल कर दिया, y ऊपर चला जाएगा आपका 1 नीचे और ये 1 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, मतलब क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना के आपका 1/y कितना के 4 के, तो फाइनली आपका जो आंसर होगा बच्चों आपका x इज इक्वल टू आपका 1/y आपका 6 होगा और y इक्वल टू आपका जो होगा 1/y कितना होगा 4 होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें करना क्या था बच्चों कि 1/x की जगह u ऐसे क्वेश्चनों में और 1/y की जगह क्या करेंगे v लेट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, उसके बाद इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके u और v के वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जब u और v की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद जो आपने लेट किया था 1/x = u उसके थ्रू आप x और y का भी मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं, अब हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका मैंने बोला कि सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आज सबको सबका सब, तो लगे रहिए बच्चों आप मेरे साथ। चलिए आज हम लोग कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं,
ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है। चलिए देखिए, चलते हैं आपका क्वेश्चंस है। चलिए लोग, सारे लोग अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ बच्चों आप लोग लग जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिए आप लोग, आपका जो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या है लिख लीजिए। 3a बाई आपका यक्स है माइनस 2b बाई आपका वाई है प्लस 5 इज इक्वल टू आपका 0 दिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका इक्वेशन है a बाई यक्स है प्लस 3b बाई आपका वाई दिया है माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया है। क्लियर है? 3b बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग करते हैं इसको। देखिए कैसे आपका स्टार्ट, रेडी सभी आप लोग हैं, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, आपको कुछ इसमें दिखाई दे रहा है? मुझे तो पिछली बात ही दिखाई दे रही है। क्या? क्योंकि देखिए यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/x, यहाँ भी 1/y, कोई दिक्कत ना? तो क्या करेंगे बताइए, बस वहीं लेट कर लीजिए। क्या बताइए? लेट 1/x इज इक्वल टू कितना के? यू के। क्या आप लोगों ने लेट कर लिया अपने कॉपी पर? चलिए और भी लेट कर लीजिए। लिखिए आप लोग 1/y इज इक्वल टू कितना के? वी के। क्या लिख चुके हैं? आगे मैं चलूँ? चलिए चलते हैं। देखिए तो 3a तो रहेगा ही, बहुत ध्यान से 3a तो रहेगा ही, और 1/x के जगह कितना यू, माइनस है तो माइनस, ये आपका 2b रहेगा ही ऊपर है, और 1/y ऊपर कुछ नहीं तो लिख सकते हैं 2b इंटू 1/y, और 1/y की जगह कितना आपका v। अब देखिए बराबर ये जो प्लस 5 है इसको आप राइट साइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं। देखिए आपका a है, a रहने दीजिए, और 1/x की जगह कितना u, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, आपका 3b है बच्चों, 3b बाई वाई है ना, तो 3b इंटू 1/y लिख सकते हैं, तो 1/y की जगह कितना आपने लेट किया है v। चलिए तो यहाँ लिख दीजिए v इज इक्वल टू, देखिए ये आपका माइनस 2 है ना, तो जब इसको RHS में आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका प्लस 2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए आप लोग मुझे बताइए बच्चों कि देखिए यहाँ भी का कोएफिशिएंट आपका माइनस 2b है, मतलब 2b, साइन को हम बाद में देख लेंगे 2b, और यहाँ भी का कोएफिशिएंट 3b। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, प्लीज़ आप लोग बताइए कि इसको तो पहले फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, और आप लोग बताइए कि फर्स्ट और सेकेंड में किसका मल्टीप्लाई करें ताकि इस भी का कोएफिशिएंट क्या हो जाए आपका सेम बन जाए। चलिए आप लोग बताइए, या आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका पढ़ते वक्त ही इसका आप लोग वीडियो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में इसका बताइए मुझे किसको क्या करने, किसका मल्टीप्लाई करें कि आपका बी का ऑप्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। क्या? देखिए ये आपका 2b है और ये आपका 3b है ना, तो यहाँ b और b है ही ना, तो बचा क्या आपका 3 बचा, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो 3 × 2 = 6b हो जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकेंड में करेंगे तो 2×3 = 6b ab हो जाएगा। तो बताइए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, तो क्या करेंगे? देखिए मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसको मैं बना लेता हूँ ब्रैकेट ऐसे ऐसे, इसको भी ऐसे, इसमें ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए ये 3 है तो इस वाले कोएफिशिएंट 3 से वाली 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करिए लेफ्ट में भी और इसके राइट में भी, क्लियर है? और आपको इस इक्वेशन में इस वाले 2 से 2 से आपको यहाँ करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करिए ताकि वैल्यू में कोई फर्क ना हो, एक ही तरफ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा जो कि गलत है। तो देखिए आपका हो गया मल्टीप्लाई, उसके बाद देखिए चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में करेंगे ना, तो 3×3 = आपका 9 क्या हो जाएगा ए यू, उसके बाद माइनस 3×2 = 3×2 = बताइए आप लोग 6b और वी इज इक्वल टू माइनस 5×3 कितना माइनस 15। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 लेट कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए आगे 2 का ए यू में करिए कितना हो जाएगा आपका
टू ए यू आपका प्लस, टू थ्री जा सिक्स बी और आपका भी, क्लियर है? तो कन्फ्यूज आपको ना बिल्कुल नहीं होना है। इज इक्वल टू 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 जा आपका फोर, इसको एक क्वेश्चन नंबर आप क्या कर सकते हैं, फोर लेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपका, देखिए भी का कोएफिशिएंट माइनस सिक्स भी है, इस वाले में जो भी का कोएफिशिएंट है वो प्लस सिक्स भी है। देखिए साइन आपका डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट हो तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे ना। चलिए ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो आपका देखिए प्लस है और ये बिल्कुल माइनस सेम वैल्यू कैंसिल। अब देखिए नाइन ए यू टू ए यू लाइक टर्म्स हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे तो 9 प्लस 2 कितना आपका 11 ए यू हो जाएगा। इज इक्वल टू देखिए माइनस 15 है प्लस 4 है, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस 11, डिफरेंट साइन है तो 15 में से 4 गया आपका 11, न्यूमेरिकल वैल्यू 15 के अधिक है इसी का साइन आपका लगेगा, ठीक। अब देखिए तो आपका u इज इक्वल टू माइनस 11 अपान के 11 ए, क्लियर है? अब 11 से 11 कैंसिल, आपकी जो u की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई कितना a, क्लियर है? तो आप यहाँ u की वैल्यू माइनस 1 बाई a निकाल चुके हैं। अब इस u की वैल्यू इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर दीजिए, v की वैल्यू आ जाएगी, जब v की वैल्यू आ जाएगी तो x और y के भी मान आपके आ जाएंगे। चलिए लिख दीजिए एक लाइन बच्चों, क्या लिखे मैं लिख दूं, दिखाई दे रहा? बिल्कुल, पुटिंग u इज इक्वल टू माइनस 1 बाई a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको बच्चों जब भी कैलकुलेशन करिए बहुत आराम से धीरे धीरे करिए, कोई गलती मत करिए जल्दीबाजी में, अगर कोई गलती कर दें चाहे हम हो चाहे आप हो, आपका जो आंसर है गलत आएगा और आपके स्टेक मार्किंग में आपका जो नंबर है जो फुल मार्क्स मिलना चाहिए वो आपका नंबर कुछ कट जाएगा। तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, साथ में लगे रहिए बच्चों। चलिए तो आपका यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आपका ए हो गया। इसको पुट करना है क्वेश्चन किसमें, फर्स्ट में, चलिए पुट करिए। अब देखिए फर्स्ट क्या, देखिए आपका फर्स्ट क्या 1 बाई यू एक्स है ना, नहीं यहाँ आपका फर्स्ट टेबल है ना। चलिए आपका क्या था 3 ए यू माइनस 2 बी वी इज इक्वल टू माइनस 5 था। देखिए 3 ए यू माइनस 2 बी वी इज इक्वल टू माइनस 5 था। तो अब यू का मान इक्वेशन फर्स्ट में आपको माइनस 1 बाई ए पुट करना है, पुट कर दीजिए 3 ए इंटू u का मान माइनस 1 बाई ए, चलिए करिए u की जगह माइनस 1 बाई ए प्लस माइनस आपका 2 बी वी इज इक्वल टू माइनस आपका कितना के 5 के। आपका a से a क्या हो गया कैंसिल, इधर क्या बचा माइनस 3 माइनस 2 बी वी इज इक्वल टू माइनस 5 के। देखिए माइनस 3 को इधर ही रहने दीजिए, ये जो माइनस 5 इसको उधर लाइए क्या हो जाएगा आपका प्लस 5, ये आपका माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 बी वी के, ये प्लस 5 है माइनस 3 है कितना हो जाएगा आपका 2 के, तो कितना के 2 बी वी के, आपका 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल। तो फाइनली इधर 1 इज इक्वल टू बी इंटू वी या वी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बाई कितना के बी के, मतलब यू का मान आपका आया माइनस 1 बाई ए और वी का मान आपका आया कितना 1 बाई आपका कितना आ गया बी आ गया। चलिए अब आप क्या माने थे 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आप यू माने थे, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आपका यू, यू का मान कितना माइनस 1 बाई ए रख दीजिए माइनस 1 बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 1 का इसमें करिए कितना हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना क्या कितना ए हो जाएगा या एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा माइनस ए, दोनों पक्षों माइनस 1 का मल्टीप्लाई करिए तो एक्स इज इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा माइनस ए हो जाएगा। अगला क्या आपने 1 बाई वाई इज इक्वल टू कितना माना था वी माना था, तो 1 बाई वाई इज इक्वल टू वी का मान कितना 1 बाई बी है ना, तो 1 बाई बी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी, तो फाइनली आपका एक्स की वैल्यू कितना लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू आपकी माइनस ए और वाई की वैल्यू कितना आपकी बी, तो फाइनली आपका बच्चों आपका यही आंसर होगा। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे, कुछ भी करना नहीं था, बस आपको कैलकुलेशंस करने हैं, 1 बाई एक्स की जगह यू करना है और 1 बाई वाई की जगह आपको क्या करना है बी करना है, उसके बाद आपको बस अच्छे से दो क्वेश्चन बन जाएंगे और वाई का बी का क्वेश्चन क्या करने के लिए दिखाने के लिए 3 का इसमें 2 का इसमें कर देंगे बन जाएगा, ऐड कर देंगे यू का मान आ जाएगा, यू का मान क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर देंगे वी का मान आ जाएगा, जब वी का मान आ जाएगा यू का मान आ जाएगा तो एक्स और वाई की वैल्यू आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर चुके हैं ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ बच्चों। अब हम लोग अब करेंगे बहुत सारे आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैं बच्चों चाहता हूँ
कि लाइव क्लास लूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं। यदि आप लोगों सच में अगर चाहते हैं कि हम लोग पूरी टीम हमारी लाइव क्लास ले, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग प्लीज़ जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल बाधित नहीं होगी। अगर सपोर्ट रहा तो सारे सब्जेक्ट के जो टीचर्स, हमारी टोटल टीम को मैं टोटल रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे बोलूँगा कि सारे लोग आएँ और वीडियो बनाएँ। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा अगर तब ये पॉसिबल हो सकता बच्चों, तो प्लीज़ जितना भी हो सके आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बेटो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे एक भी पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है, बस एक लाइक देना है बच्चों। और आप जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और मेरी पूरी टेक्निकल टीम और जितने भी हमारे पूरे स्टाफ्स हैं, जितने भी सहयोगी हैं, सारे लोग आप लोगों को लाइव क्लास दिला सकें। इसके लिए आप लोगों की बहुत ही ज़रूरत है, आप लोगों के बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आप ही लोग एक माध्यम बचे हैं जिससे मैं अपनी बातों को कह पा रहा हूँ। और मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ अपनी बातों को, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाता रहा हूँ, इस गर्मी भर में आप लोगों को पढ़ाता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि किसी और से कहने के बजाय अगर आप लोगों से कहूँगा तो आप लोग मेरी बातों को ज़रूर सुनेंगे। तो प्लीज़ जितना भी हो सके, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, प्लीज़। चलिए हम लोग अब करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए सारे लोग पेन और कापी उठाइए और मेरे साथ आप लोग लग जाइए। बच्चों मेहनती बनिए, ऐसा नहीं कि आधे घंटे आप लोग वीडियो देखे बोर हो गए, नहीं, जितना भी वीडियो आपकी होती है टोटल कंप्लीट वीडियो देखिए और साथ में पेन और कॉपी लेके बैठिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आए आप लोग बहाना बना लेके नहीं पढ़ना, चलिए कल पढ़ेंगे, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। आपको बच्चों काम करने हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि आपके स्कूल आपके खुलने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी ने पूरे देश को परेशान कर रखा है। तो प्लीज़ आप लोग अपने घर आइए, घर से बाहर मत निकलिए, और आप लोग अपने घर बैठ करके पढ़ सकते हैं। और बच्चों आप लोगों का यदि सपोर्ट रहा तो मैं जल्द ही आप लोगों का लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। चलिए आप लोग पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ बच्चों फिर से लग जाइए। तो मैं आपके एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब हम मूव करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सारे लोग लिखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बहुत बार पूछा गया, बच्चों लिखिए सारे लोग। 5 upon k x minus 1 plus 1 upon k y minus 2 इज इक्वल टू 2 कामा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 6 upon k x minus 1 माइनस आपका है 3 upon k आपका y माइनस 2 इज इक्वल टू आपका 1 है। क्लियर है, अब मिला सकते हैं क्वेश्चन को। 5 upon k x minus 1 बिल्कुल सही है, प्लस 1 upon k y minus 2 इज इक्वल टू 2। अगला 6 upon k x minus 1 माइनस 3 upon k y minus 2 इज इक्वल टू आपका क्या है, 1 है। क्लियर है, और आपको इस क्वेश्चन को करने हैं। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, और मैं आप लोगों के लिए इसको पहले सबसे पहले हिंट दे देना चाहता हूँ, और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हैं। देखिए
आपको इसमें कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा होगा, क्या मुझे बताइए आप लोग। देखिए x माइनस वन, यहाँ भी y माइनस टू है, मतलब डिनोमिनेटर में वहाँ क्या है, यहाँ देखिए वन अपान के x माइनस वन, यहाँ वन अपान के y माइनस टू, यहाँ भी देखिए वन अपान के x माइनस वन, यहाँ भी वन अपान के y माइनस टू। इसका मतलब कि अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या बताइए कि वन अपान x माइनस वन इज इक्वल टू कितना बच्चों, u आप p भी लेट कर सकते हैं और वन अपन वाई को q भी लेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता आप क्या लेट करते हैं। वन अपान की x माइनस वाई इज इक्वल टू यू, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे नोट कर लीजिए। अब देखिए वन अपान के y माइनस टू इज इक्वल टू कितना के आपका b, क्लियर है, आप लोग लेट कर चुके हैं। चलिए मेरे साथ, चलिए सारे लोग मेरे साथ करिए, बताइए आपको क्या हो जाएगा, बताइए क्या लिख दूँ, क्या लिख बताइए, फाइव आपका यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप लोग सस्पेंशन में नहीं ना है कि सर ए फाइव यू कैसे लिख दिए, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। फाइव अपान के एक्स माइनस वन बच्चों ना, अब देखिए इसको लिख सकते हैं फाइव इंटू वन अपान के एक्स माइनस वन, लिख सकते हैं कि नहीं, अरे फाइव इंटू वन तो लिख ही सकते हैं, तो फाइव को साइड में किया इंटू वन बाई एक्स माइनस वन कर दिया, तो फाइव और वन अपान के एक्स माइनस वन को बच्चों आपने क्या माना है, यू माना है, तो क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। वहीं तो मैं आपका फाइव यू लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना, कोई भी दिक्कत हो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ प्लीज आप लिखिए। देखिए आपका प्लस, देखिए वन अपान के वाई माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू टू, इक्वेशन नंबर कितना हो गया फर्स्ट, आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है, मत टेंशन लीजिए। अगर आप लोगों के मैथमेटिक्स वीक है बच्चों, तो मैं आपको लाइव क्लास में जब बच्चों लूँगा तो आप लोगों को एक एक पुर्जे तोड़ करके मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप वीक हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, वीक हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखाने वाला हूँ, मत टेंशन लीजिए। बस एक बार सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ पैसे आ जाएँ, तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नेट पैक करा करके प्रयास करूंगा कि आप लोगों का लाइव क्लास लूंगा। बच्चों लाइव क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, एक एक चीज़ एक एक पुर्जे मैं बच्चों मैथमेटिक्स को तोड़ तोड़ के ब्रेक ब्रेक करके आपको सिखाऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस बच्चों बस आप लोगों को इतना कर देना है, बस मेरे लिए और मेरे पूरे टीम के लिए, ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें और हम लोग आपका लाइव क्लास ले सके, इतना हम लोगों के पास इनकम हो जाए ताकि हम लोग बस आप लोगों का क्लास ले पाए। और मैंने बताया कि आप लोगों से मुझे एक पैसे नहीं चाहिए, मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाने वाला हूं, एक भी पैसे लाइव क्लास के भी नहीं लूंगा बच्चों। आज के डेट में कोई बच्चों फ्री में नहीं पढ़ाता, सारे लोग जो भी पढ़ाते हैं उसके पैसे लेते हैं, पेड वीडियोस चलता है उसके पैसे लेते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलना वादा कर रहा हूँ कि आपसे एक भी पैसे नहीं लूँगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को अगर ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ फ्री में मिले, आपको सब कुछ मिले, तो बच्चों बस आप लोगों को एक काम जरूर करना पड़ेगा, जितना भी अधिक से अधिक हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो बच्चों क्या होगा कि हम लोग और हमारी पूरी टीम देख सकते हैं कि बस मैं ही इस समय पढ़ा रहा हूँ और सारे जितने भी स्टाफ्स हैं सभी लोग डिप्रेशंस में हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज़ अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सारे लोग काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जितना भी अधिक से अधिक हो सके वीडियो को बच्चों शेयर करिए। चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन। देखिए आपका फाइव यू प्लस बी इज इक्वल टू आपका कितना हो गया बच्चों, आपका टू हो गया, क्लियर है। अब देखिए अगला, देखिए सिक्स, देखिए वन बाई एक्स माइनस वन इसके जगह कितना हो जाएगा आपका यू, तो सिक्स आपका यू हो जाएगा माइनस थ्री, वन अपान के वाई माइनस टू की जगह क्या लिख देंगे वी इक्वल टू कितना कि वन, इसको एक क्वेश्चन में क्या बना दीजिए आपका टू बना दीजिए। अब देखिए मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे मेरे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या आप सारे लोग कर सकते हैं, क्या करेंगे बताइए। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, आपके क्वेश्चन में क्या सेकेंड है। अब देखिए यहाँ क्या है, वी का कोएफिशिएंट आपका क्या है वन दिखाई दे रहा है और यहाँ वी का कोएफिशिएंट माइनस थ्री दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बस आपको थ्री का मल्टीप्लाई करने की जरूरत है दोनों पक्षों में, क्यों, क्योंकि यहाँ भी थ्री भी हो जाएगा और यहाँ आपका थ्री ऑलरेडी है ही, तो बस आपका काम बन जाएगा
जाएगा, वी इलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए कर दीजिए, तो एक लाइन लिख दीजिए क्या बच्चों, अरे मल्टीप्लाइंग क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई कितना के, 3 के, क्लियर है, कर दीजिए। चलिए 5u प्लस बी इज इक्वल टू आपका 2 है, अब क्या करिए दोनों पक्षों में आपको क्या मल्टीप्लाई करना बता दीजिए मुझे। तो चलिए सारे लोग बताइए मुझे क्या करना है, 3 का ना, और इधर भी 3 का, ऐसा नहीं कि आपको इधर 3 का मल्टीप्लाई कर लिए और इधर भूल गए। अगर भूल जाएंगे बच्चों तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक तरफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू 3 गुनी हो जाएगी इससे, जो कि अच्छी बात नहीं है। दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई करिए ताकि आपका इक्वेशंस बैलेंस रहे, क्लियर है। तो देखिए चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 3 5 जा आपका 15u हो जाएगा, प्लस कितना 3 का बी में कर दीजिए, 3b इज इक्वल टू 2 3 जा 6 के ना। अब इसको इक्वेशन मर्जी आपकी, चलिए हम इसको बना लेते हैं क्या थर्ड इक्वेशन, कोई दिक्कत। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, चलिए सारे लोग बताइए मुझे क्या करूं, सारे लोग बोलिए। देखिए जरूरी नहीं कि देखिए लाइव क्लास नहीं चल रहा है ये आपका, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे साथ बोलिए, सारे लोग बोलिए मुझसे, बोलिए कितना क्या करूं कि किसको किसको ऐड करूं, बोलिए सारे लोग मेरे साथ। देखिए आपके इक्वेशन सेकेंड है और ये आप थर्ड है, क्या करूं ऐड कर दूं ना, तो इक्वेशन में थर्ड और किसको किसको सेकेंड और थर्ड को क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो लिख दीजिए एडिंग, बोलिए सारे सब मेरे साथ एडिंग, एडिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, क्लियर है, ऐड कर दिए बच्चों। तो कितना देखिए मैं इधर ऐड करूं चलेगा, बिल्कुल देखिए 6, देखिए 6u माइनस 3b इज इक्वल टू 1 है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। और देखिए थर्ड वाला क्या बना 15u, क्या दिखाई दे रहा है बिल्कुल बच्चों, प्लस 3b इज इक्वल टू कितना के 6 के, इक्वेशन में क्या आपका हो गया थर्ड। अब क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए ना, तो ऐड करेंगे बच्चों, तो देखिए ये आपका माइनस 3b है ना, ये आपका क्या है प्लस 3b है, तो आपका क्या हो जाएगा एक कैंसिल हो जाएगा, ये 15u और प्लस आपका 6u, तो 15 6 कितना होता 21, मतलब 21u के इज इक्वल टू, बच्चों बोलिए ना ए 6 है ए प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा 7 के, यही ना होगा। अब आपको u की वैल्यू निकालनी है, तो u इज इक्वल टू 7 अपान के 21, तो u इज इक्वल टू 7 1 जा 7 7 3 जा 21 मतलब 1/3, तो u का मान कितना आ गया 1/3। अब क्या करेंगे बोलिए मेरे साथ सारे लोग, क्या करेंगे कि u की वैल्यू इक्वेशन हमारा फर्स्ट में या तो किसी में रख दीजिए, v की वैल्यू आ जाएगी, एक लाइन लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, पुटिंग u इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो भी आपकी मर्जी बच्चों। चलिए 5u प्लस बी इज इक्वल टू आपका देखिए 2, इक्वेशन फर्स्ट आपका यही है, पुट करना u की जगह 1/3, जहां u है वहां 1/3 प्लस बी इज इक्वल टू कितना के 2 के, तो v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, देखिए 5 × 1 मतलब आपका क्या हो जाएगा 5, मतलब का जब u की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, प्लस v इज इक्वल टू 2 के, तो v इज इक्वल टू 2 माइनस आपका हो जाएगा 5/3, क्यों, क्योंकि आपका 5/3 प्लस है और राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। चलिए भाई अब क्या करेंगे, अरे 3 2 जा 6 माइनस 1 का 5 में 5/3 1 जा 3 और 6 में से 5 जाएगा 1/3 कितना के 3 के, अच्छा u का मान भी 1/3 और v का मान भी कितना गया 1/3। अब क्या करेंगे आपको x और y की वैल्यू निकाल ली है, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं x और y की वैल्यू, तो आपने क्या माना था 1/x इज इक्वल टू माना था u के और 1/x इज इक्वल टू u की वैल्यू कितना 1/3 के, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इज इक्वल टू कितना के 3 के, क्या आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है बच्चों। और 1/y इज इक्वल टू आपने v माना था 1/y और v का भी मान कितना गया 1/3 के, तो y इज इक्वल टू कितना के आपका 3 के आ गया, तो कोई दिक्कत तो देखिए आपका x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना 3, अच्छा सॉरी क्या हुआ, क्योंकि आपने 1/x इज इक्वल टू यू नहीं माना था, आपने 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू आपने क्या माना था यू माना था, क्लियर है। अब देखिए यहाँ गलती मुझसे हो गई ना, तो गलती आपको नहीं करनी है ना, चलिए चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग गलती को सुधार लेते हैं भाई। चलिए देखिए
आपका क्या आ गया, हाँ 1 बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू यहां u माना गया था ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, अब क्या करिए कि 1 बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना माना गया था आपका u माना गया था, गलती नहीं करनी बच्चों। तो आपका 1 बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू u की वैल्यू कितना आपकी 1 अपान के 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 के हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत देखिए, माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा, घबराइए बिल्कुल नहीं। और देखिए क्या वन अपान के ना वन अपान के वाई माइनस टू स्कूल क्या माना गया था आपका भी, यहाँ भी ये माना गया ठीक है। अब चलिए वन अपान के वाई माइनस टू इज इक्वल टू वी, वी के वैल्यू कितना आप बताइए, वी के वैल्यू कितना 1 अपान के 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा देखिए y माइनस टू इज इक्वल टू कितना 3 के, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए आपका माइनस टू राइट साइड जाएगा तो 3 इधर आई तो 3 प्लस टू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ गई 4 और y की वैल्यू कितना आ गई आपकी कितना 5, तो देख सकते हैं। तो फाइनली आपका x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कितना 5 क्या रहा आपका आंसर रहा है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, वहाँ देखिए हमने क्या कर दिया था कि 1 बाई एक्स इज यू, जो कि नहीं, जो कि यहाँ देखिए वो ध्यान से देखना भाई कि आपने 1 बाई एक्स माइनस वन इज यू ना माना है तो ऐसे रखेंगे ठीक है, तो गलती नहीं करनी आप लोगों को, सॉरी बच्चों इसको आप लोग क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए ठीक, नोट कर चुके हैं, सिंपल था ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इरेज में कर दे रहा हूँ बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिए कि यस सर वी आर एंजॉयिंग। बच्चों टेंशन बिल्कुल आप लोग मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ और मैं आप लोगों का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस बच्चों हम लोग सर्वाइव कर सकें और बच्चों जितना अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तब जाकर के कुछ हम लोगों को यूट्यूब के माध्यम से अर्निंग हो सकती है, ताकि हम लोगों को किसी से कोई कर्ज न लेना पड़े। तो प्लीज़ आप लोग हम लोगों के लिए बस इतना कर दीजिए कि हम लोग आप लोगों के लाइव क्लास चला सकें, उतना काफ़ी है बच्चों। बच्चों जब आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो बच्चों आपका हर एक क्लास का मैं स्टार्ट करवा दूंगा और हर एक सब्जेक्ट मैं करवा दूंगा। तो बच्चों प्लीज़ कम से कम इतना सपोर्ट करिए कि हम लोग लाइव क्लास ले सकें, अभी हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका लाइव क्लास ले पाऊँ, उसके लिए बच्चों आपकी नेट की ज़रूरत पड़ती है और आप लोगों के वीडियो अपलोड करने के लिए मैं सभी लोगों से नेट शेयर करके मैं किसी तरह जा करके आपका वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। तो प्लीज़ इतना करिए कि हम लोग वीडियो अपलोड कर पाएँ, आप लोगों को पढ़ा सकें और लाइव क्लास ले सकें। तो प्लीज़ आप लोग शेयर आप लोग जरूर करिए। चलिए हम लोग अब मूव करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं आपका क्वेश्चन करा दिया, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में भी देना चाहता हूँ, लेकिन आपकी लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और कराता हूँ। चलिए देखिए आपका है 1 अपान के 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y प्लस 12 अपान के 7 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y, क्लियर है, इज इक्वल टू 1 अपान के 2 है। देखिए स्पेस ना होने की वजह से थोड़ा सा मैं इरेज भी करना पड़ेगा, आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ लिखते चलिए नोट करते चलिए, क्लियर है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कामा 7 अपान के 2x प्लस 3y
प्लस 4 अपान के 3x माइनस 2y इज इक्वल टू आपका 2 है। क्लियर है, मिला सकते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए हम लोग इसको करते हैं। आइए अब देखिए, आप लोग मुझे बताइए, ये आपका 3x है, सारे लोग लिख लीजिए 3x है। देखिए ये 1 अपान के 2x प्लस 3y है, इस वाले में 1 अपान के 3x माइनस 2y है, इसमें भी सेम है। तो देखिए क्या करने वाले हैं, लेट कर लीजिए 1 अपान के 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना के u के। अरे बच्चों कितना जाएगा, 1 अपान के 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना के v के। क्या आप लोग लेट कर चुके हैं बच्चों? और मैं आप लोगों को हिंट दे देना चाहता हूं कि आप इसको u और इसको v लेट करके, आप u और v में इक्वेशंस बना करके, u और v के मान निकाल करके फिर इसमें पुट करेंगे तो फिर आपका x और y में बन जाएगा इक्वेशंस, फिर उसको सॉल्व करेंगे तब जाके आपका x और y का मान आएगा। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होने वाला है, बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको जस्ट अभी बता रहा हूँ। देखिए बच्चों आपका कैसे करेंगे, चलिए मेरे साथ आप लोग लग जाइए। देखिए 1 अपान के 2x प्लस 3y की जगह कितना हो जाएगा u, तो लिख सकते हैं u बाई 2 प्लस 12, देखिए बाई आपका 7 है ही, और 1 अपान के, देखिए यहाँ लिख सकते हैं 1 अपान के 3x माइनस 2y की जगह b, मतलब आपका 12 b हो जाएगा। तो 12 अपान के 7 कितना हो जाएगा b, इस इक्वल टू कितना के 1 अपान के 2 के, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 7 u प्लस बार दूनी की कितना 24 मतलब 24 v अपान के इसका इसमें 7 2 आपका कितना 14 इज इक्वल टू 1 अपान के 2। अब इस 2 से इसको कट कर दिए, 2 7 जा 14, मतलब आपका फाइनली 7 u प्लस 24 वी इज इक्वल टू आपका 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना 7। अब इसको एक क्वेश्चन में क्या बना लीजिए फर्स्ट, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आराम आराम से आस्ते आस्ते करिए। चलिए अब अगला 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 यू, देखिए आपका 7 है, 2x प्लस 3y, देखिए 2x प्लस 3y, क्लियर है, इसके जगह मैंने क्या मान लिया यू मान लिया। अब देखिए प्लस ये देखिए 4 आपको रहने दीजिए 4, और 1 अपान के 3x माइनस 2y की जगह आपने क्या माना देखिए v, तो आपका v हो जाएगा इज इक्वल टू कितना के 2, और आपका क्वेश्चन में क्या बन गया आपका सेकेंड बन गया। कोई दिक्कत बताइए आप लोग, कोई दिक्कत आप लोगों को? देखिए यहाँ मैंने 1 अपान के 2x प्लस 3y को मैंने क्या मान लिया u, तो आपका 1 अपान 2 तो 1 अपान 2 रहेगा ही, और यहाँ 12 अपान 7 तो रहेगा ही, और इसके जगह क्या मान लिया देखिए v, अब इसको सॉल्व करिए तो 7 u प्लस 2 में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 v, 7 2 जब 14, इसको इससे कट करेंगे 7, इसका मतलब फाइनली 7u प्लस 24 v इसका वैल्यू कितना की 7 के, और आपका 7 u प्लस 4 v इसका वैल्यू कितना की आपका 2 के। देखिए 7 यहाँ u हो जाएगा, इसके जगह कितना हो जाएगा v, इसका वैल्यू कितना आपका 2 के। अब देखिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहां 7u और यहां 7u आपका है ना, इसमें कोई मल्टीप्लाई करना है ना तो कुछ करना है, बस आपको सबट्रैक्ट कर देने, क्यों, क्योंकि यहां भी प्लस सेम साइन है बच्चों, तो सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, और मैं बताऊं कि सबट्रैक्ट करते समय जो साइन होती है बदल जाती है, मतलब प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। चलिए ये 7u प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये भी देखिए प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर है। अब इस प्लस वाले को भूल जाएंगे, जो नई साइन आई है उसको हम ध्यान देंगे, तो 7u और माइनस 7u बच्चों क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया ना। अब देखिए ये 24 भी है, ये माइनस 4, अब प्लस को भूल जाएंगे, जो साइन बदल चुका उसको ध्यान देंगे, उसको साइन को देखेंगे, तो माइनस 4 भी है, तो कितना हो जाएगा 20v इज इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा कितना के 5 के, तो v इज इक्वल टू 5 अपान के 20, बोले तो 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20, 5 के 20 मतलब 1 अपान के 4 के, तो v की वैल्यू कितना आ गई 1 अपान के 4। क्या आपको कोई दिक्कत, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी ना। अब देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, आपका इस v का मान किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चलिए फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, लिखिए पुटिंग, सारे लोग लिखिए पुटिंग आपका v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इन इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, फर्स्ट क्या देखिए लिख लीजिए, फर्स्ट आपका क्या था देखिए 7u प्लस 24 v
स्कल टू सेवन के। अब देखिए सेवन यू प्लस 24 इन टू बेटा वी का मान कितना 1/4। चलिए वी की वैल्यू कितना 1/4 इज इक्वल टू सेवन के। अरे 4 1 4 4 6 24 चार छंग 24 4 6 24 तो 7u प्लस 6 1 6 6 इज इक्वल टू कितना के 7 के। तो कितना हो जाएगा बताइए, तो आपका 7u इक्वल टू आपका 7 माइनस कितना 6 या 7u इक्वल टू कितना के 1 के। तो u इक्वल टू 1/7। अभी तक आपके u और v के मान आए हैं, मैं आपको यहां तक थोड़ा सा एक बार रिपीट और कर दे रहा हूं, उसके बाद उसको इरेज करके आगे करूंगा। देखिए हुआ क्या था कि 1/2x + 3y को u और 1/3x - 2y को v करेंगे। उसके बाद देखिए आपका u बाई 2 प्लस 12/7 भी इसको 1/2 इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 इसके जगह u और इसके जगह v, मतलब 7u प्लस 4v इसको कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि दोनों के सेम साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बताइए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ भी माइनस, ये कटा 24 में से 4 गया कितना 20, भी इसको कितना 7 में से 2 गया 5, तो v इक्वल टू कितना 1/4। v का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, देखिए v की जगह 1/4, तो u का मान निकालेंगे सॉल्व करके तो 1/7। अब u और v के मान आ चुके हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग इसको पहले इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, या देखिएगा u का मान आपका कितना, v का मान 1/4 है, चलिए अच्छी बात है। तो आपने देखिए 1/2x + 3y है ना, तो 1/2x + 3y। अब देखिए u का मान आपने कितना निकाला, u का मान कितना 1/7, तो इस u के जगह क्या रख दीजिए 1/7 के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बताइए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2x + 3y इज इक्वल टू कितना के 7 के हो गया, क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन में इसको क्या बना दीजिए आप, थर्ड बना दीजिए थर्ड, क्लियर है। अब v का मान कितना देखिए यहाँ 1/4, मैं रेस करने जा रहा हूँ बच्चों, v का मान आपका 1/4 था, तो देखिए 1/3x - 2y इज इक्वल टू कितना के v के, और आपका v का मान आपको पता ही है, मैंने बताया अभी कितना बताइए 1/4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x - 2y इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 1 4, इक्वेशन में क्या हो गया आपका 4 हो गया ना। अब मैं इसको भी रेस कर देता हूँ बच्चों, आई होप आप नोट कर चुके होंगे क्वेश्चन को। अब देखिए अब क्या करने हैं, आपको इक्वेशन थर्ड मिला और इक्वेशन फोर्थ मिला, अब फिर इन दोनों को फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ आपका 3y है, यहाँ क्या है 2y है, तो इक्वेशन थर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, और इक्वेशन फोर्थ में किसका 3 का, दोनों पक्षों में। चलिए करिए, तो एक लाइन लिख दीजिए बच्चों, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई कितना 2 and 4th, फोर्थ के किससे करेंगे 3 से, क्लियर है। चलिए कर दीजिए, जब करेंगे तो आपका क्या बताइए 2x + 3y इसको टू आपका 7 है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना आपको देखिए 2 का करना है, कर दीजिए 2 का, कर दीजिए बच्चों इधर भी 2 का, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा, 2 3 जा 6y = 7 2 जा 14, ठीक। आपको एक क्वेश्चन और बना, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 5 बना लीजिए, कोई इतराज़ नहीं बच्चों। अब देखिए इसको कर दीजिए 3x - 2y = आपका क्या 4 है, अब दोनों पक्षों में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 3 का, क्यों, ताकि y का कोएफिशिएंट क्या हो जाए इक्वल बन जाए। 3 3 जा कितना जाए बताइए आप लोग, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y = 4 3 जा 12, इक्वेशन 6 बना लीजिए। अब 5 को और 6 को क्या करिए ऐड कर दीजिए, देखिए 5 और 6 को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो देखिए आपका 5 कितना है 4x + 6y = 14 के, और आपका ये 9x है -6y = कितना के 12 के। अब देखिए आपका y का कोएफिशिएंट क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, और डिफरेंट साइन ऐड कर देंगे तो 6y कैंसिल आपका हो जाएगा, 6 है माइनस है प्लस है कैंसिल, कितना 9 4 कितना 13x = जोड़ दीजिए 4 2 6 1 1 2 मतलब 26, तो कितना हो जाएगा x = 26/13, मतलब 13 2 9 26, तो x = कितना आपका 2 के, क्लियर है, दिखाई दे रहा है बच्चों आपका x = कितना के आपका 2। अब चलिए अब x की वैल्यू क्या करेंगे, किसी अनेक क्वेश्चन पर रख देंगे, चलिए फर्स्ट में या किसी में रख, देखिए फर्स्ट में नहीं आपको किस में थर्ड में पुट करना होगा ना, फिर लिखिए पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन नंबर आपका थर्ड, थर्ड क्या देखिए 2x
प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू आपका क्या है, सेवन है। टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन, और एक्स की वैल्यू कितना टू। चलिए टू इंटू टू प्लस कितना थ्री वाई इक्वल टू सेवन के, तो आपका टू टू जब फोर प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन के, तो थ्री वाई इक्वल टू सेवन माइनस फोर के, तो थ्री वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू थ्री बाई थ्री बोले तो कितना वन, मतलब वाई इक्वल टू कितना आपका आ गया वन आ गया। तो आपने देखा फाइनली कि एक्स की वैल्यू टू और वाई की वैल्यू कितना आपकी वन, तो फाइनली आपका क्या रहा, आपका फाइनली यही आंसर रहा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपका कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेशंस मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सीख जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ बच्चों। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को लाइव क्लास होता तो बहुत मज़ा आता, कसम से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आता, क्योंकि मैं आप लोगों को, आप लोग पढ़ना चाहें तो मैं आप लोगों को दो दो घंटे तीन तीन घंटे बच्चों में आप लोगों को लाइव क्लास ले सकता हूँ, और अगर आप लोग पूरा सपोर्ट किया, अगर हम लोग अच्छा खासा सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आने वाले समय में बच्चों मैं आप लोगों को मैराथन क्लास भी कराने वाला हूं बच्चों, जो कि मैं कंटिन्यू 12-12 घंटे तक मैं बच्चों आपको पढ़ाने वाला हूं, कंटिन्यू मैं पढ़ाऊंगा 12-12 एक ही खड़ा खड़ा बच्चों में 12 घंटे तक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बच्चों। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं जल्द ही मैं बच्चों जो मैं आपको बोल रहा हूँ सब कुछ मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन इन सबके करने के लिए आप लोगों को क्या सपोर्ट की जरूरत, बिना सपोर्ट के आपके कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे हम लोग लाइव क्लास मिलें, लाइव क्लास का आनंद उठाएं, तो प्लीज़ आप लोग जितना भी अधिक से अधिक हो सके बच्चों वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ताकि हम लोग लाइव क्लास ले सकें, इतना हम लोगों के पास कैपेसिटी हो जाए ताकि हम लोग आप लोगों को लाइव क्लास ले सकें बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ उसके लिए, लाइव क्लास के लिए एक अच्छे क्वालिटी कैमरे की जरूरत पड़ती है, नेट की जरूरत पड़ती है, ब्रॉडबैंड की जरूरत पड़ती है, बिना उसके होने वाला नहीं है बच्चों। तो उसके लिए बच्चों बहुत सारे पैसे चाहिए, तब जा करके वो काम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से मैं एक भी पैसा नहीं मांग, बस आप लोगों से इतना बोल रहा हूँ कि जितना भी अधिक से अधिक हो सके आप लोग अपना कर्तव्य करिए, और अपना जितना भी अधिक से अधिक हो सके वीडियो को बच्चों शेयर करिए, ताकि हम लोग आप लोगों को अच्छा से अच्छा दे सकें। अगर सब कुछ सही रहा तो हर एक सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, और आप लोगों को एक भी पैसा लगने वाला नहीं, आपको मैं एक भी पैसा बिल्कुल नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्द ही लाइव क्लास लूँगा, और सारे टीचर्स आपके लाइव क्लास लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों शेयर करते रहिए। चलिए आज हम लोग अब कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं। आपके सामने देखिए क्वेश्चन अगला है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी आपका यक्स है प्लस ए प्लस बी वाई है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल गलत मत लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, ए प्लस बी, अच्छा ब्रैकेट क्लोज है, अच्छी बात है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। अब इसको सॉल्व करना है, आप देख सकते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं मैं सारे के सारे आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाता है तो बच्चों एडिटिंग करने में और आपका अपलोडिंग करने में बहुत सारा डाटा यूज़ करना पड़ता है, मुझे कितने स्पेशल रिचार्ज मारने पड़ते हैं तब जा करके बच्चों आपका एक वीडियो अपलोड हो पाता है, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक घंटे से अधिक वीडियो के लिए कम से कम आपके 12-15 GB आपके जो डाटा सब कुछ लेना पड़ता है हम लोगों का, तब जाके आपका वीडियो अपलोड हो पाता है, 3-4 सिम का यूज़ करना पड़ता है, लोगों को डाटा शेयर करना पड़ता है, तब हम जाके बच्चों एक वीडियो अपलोड कर पाते हैं, बहुत तकलीफ बहुत दिक्कतें होती हैं अपलोड करने में। अगर बच्चों अगर आपका सब कुछ सही रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो जल्द ही आप लोगों का बहुत कुछ अच्छा हम लोग करने वाले हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। देखिए ये आपका क्वेश्चन है,
आपको इस क्वेश्चन को करने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अगर आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को बेशक ब्रेक करिए, रोक करिए, पॉज करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भगा करके और मेरे से आंसर आप लोग क्या करिएगा, मिला लीजिएगा। और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, मेरे साथ आप लोग लगिए पेन और कॉपी, सारे लोग उठा लीजिए, मेरे साथ करिए, एक एक स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल आपको घबराना है। सारा क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए कैसे, यहाँ देखिए एक्स और वाई अलग है और कांस्टेंट अलग है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए तो आपका ए प्लस बी है और यहाँ एक्स प्लस वाई है ना, यहाँ ए प्लस बी इंटू है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्स को अलग करना है, वाई को अलग करना है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई एक्स में भी आपको करना पड़ेगा और इस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, वाई में भी करना पड़ेगा, तब जाके एक्स और वाई क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए कर दीजिए, इस ए प्लस बी का एक्स में करिए तो कितना आ जाएगा बताइए, आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा यक्स, अब प्लस ए प्लस बी का वाई में करिए तो आपको हो जाएगा ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि यहाँ दिक्कत हुई होगी, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया बच्चों, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई एक्स में भी किया और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई वाई में भी किया। अब देख सकते हैं एक्स अलग हो गया और वाई अलग हो चुका है, अब हम कर सकते हैं। देखिए तो चलिए, अब देखिए आपको ये वाला जो इक्वेशन था इसको आप फर्स्ट बना लीजिए और इसको क्या बना लीजिए, सेकंड बना लीजिए। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, अरे यहाँ वाई का कोएफिशिएंट कितना है, ए प्लस बी है और यहाँ भी वाई का कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी है, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में आपका जो वाई का कोएफिशिएंट है बच्चों आपका ए प्लस बी है और सेम साइन है, तो आप फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, आपका लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माइनस आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आपका हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है बच्चों, कि देखिए आपका ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी आपका यक्स है प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या रहा, सेकेंड रहा। और आप देख सकते हैं बच्चों कि वाई का कोएफिशिएंट यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ भी वाई का कोएफिशिएंट ए प्लस बी है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और मैंने आपको सिखाया था कि सब्ट्रैक्ट करते समय आपके जो साइन है बिल्कुल बदलते हैं, तो आपको बदलना है, मिस्टेक एक भी नहीं करना है। देखिए तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस है तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर भी प्लस है, बी स्क्वायर भी माइनस प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ए भी माइनस होगा और ए भी माइनस होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है, नहीं थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए कर दीजिए, तो कितना यहाँ भी देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स एक्स आप क्या करिए, पहले कामन ले लीजिए, जब एक्स कामन लेंगे या मैं आपको पूरा करके दिखाऊँ, चलिए मैं आपको अच्छे से और करके दिखाता हूँ। चलिए ये आपका क्या है, ए माइनस बी यक्स है, देखिए माइनस हो गया माइनस, ये आपका ए प्लस बी यक्स है, ये देखिए ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट बना देता हूँ और यहाँ क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये वाला क्या बताइए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस, क्या माइनस सब्ट्रैक्ट करना, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना था ना, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपके क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो देखिए क्या होगा, अरे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो क्या करिए, x कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा अंदर बताइए, चलिए बता दीजिए आप लोग, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका a माइनस बी माइनस, यहाँ बचेगा आपका a प्लस बी। एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, स्टेप मैं गायब नहीं करूँगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस से अंदर के साइन बदल जाएगी तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ क्या बचा देखिए यक्स, अब देखिए
ए माइनस बी, ये माइनस है ना तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, मतलब माइनस ए हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू, बच्चों आपका देखिए ए, आपका देखिए माइनस टू ए बी है, कोई बात नहीं माइनस टू ए बी लिखिए, और ये माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका माइनस टू बी स्क्वायर हो जाएगा, और आपको बिल्कुल घबराना आपका नहीं है। अब देखिए आपका a है, a माइनस ए है, तो अब तो a तो हो गया कैंसिल, क्या बचा x इंटू माइनस बी, माइनस बी कितना माइनस टू बी इज इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, क्या माइनस टू बी कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ भी माइनस टू बी, इसमें भी माइनस टू बी है, तो माइनस टू बी कॉमन कर लीजिए, जब माइनस टू बी कॉमन करेंगे तो आपका क्या होगा कि माइनस टू बी से जब माइनस टू ए बी में डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, बी से बी कैंसिल, आपका a बचेगा बच्चों, माइनस से अंदर के साइन बदल जाएगी मतलब प्लस हो जाएगा, इस माइनस टू बी के जब माइनस टू बी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपका टू से टू कैंसिल और आपका बी स्क्वायर एक बी कैंसिल होगा लेकिन एक बी बचेगा, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए तो आप दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कंफ्यूजन वाली कोई बात ही ना रहे, तो आपका यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आपका टू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी होल अपान के, देखिए ये जब माइनस टू बी जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है सॉरी माइनस टू बी है ना नीचे जाएगा तो अपान के हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ए माइनस से माइनस कैंसिल, टू बी से टू बी कैंसिल, फाइनली क्या आ गया यक्स इज इक्वल टू आपका ए प्लस बी आ गया, तो अभी एक्स की वैल्यू आई है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स की वैल्यू किसी एक किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे आपका वाई के भी मान आ जाएगा, तो चलिए लिख दीजिए बच्चों पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी और इन इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्या आपके सामने है, देखिए फर्स्ट क्या है आपका ए माइनस बी इंटू, देखिए मैं डायरेक्ट पुट करने जा रहा हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ा सा कमी है, इस एक्स के जगह कितना ए प्लस बी पुट कर दो बेटा, ए प्लस बी अब प्लस ये क्या आपका ए प्लस बी वाई है ना, ए प्लस बी वाई और बराबर क्या है a प्लस बी कितना आपका वाई है क्या, अब बराबर कर दीजिए कितना बराबर आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, अब सॉल्व कर दीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप बताइए क्या होता फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, तब देखिए आप ए प्लस बी वाई इक्वल टू करेंगे तो देखिए राइट वाला पार्ट जो भी लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, अब बहुत ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ये जो माइनस बी स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, आप लोग नोट करते चलिए साथ में, अगर थोड़ा सा कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है इसको आप लोग नोट करिएगा। अब देखिए आपका बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका माइनस ए स्क्वायर ए प्लस आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा ए प्लस बी वाई इजकल टू कितना के आपका माइनस टू बी के बचेगा, क्लियर है आप लोग करते चलेंगे दिक्कत नहीं होगा, तो वाई इजकल टू हो जाएगा आपका माइनस टू ए बी अपान के क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है बच्चों क्या कि एक्स का मान आपका ए प्लस बी देख सकते हैं ऊपर और वाई का मान आपका माइनस टू ए बी अपान के आपका ए प्लस बी, तो फाइनली आपका यही आंसर रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत आपका कठिन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों था, कुछ भी नहीं है, मैंने बताया था कि a प्लस बी के मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो आपका a प्लस बी एक्स हो जाएगा प्लस a प्लस बी वाई हो जाएगा इसको इतना, और आप देख सकते हैं कि यहाँ तो कुछ करना भी नहीं, मल्टीप्लाई भी तो नहीं करना है, यहाँ y का कोएफिशिएंट आपका a प्लस बी है, यहाँ भी y का कोएफिशिएंट क्या देखिए आपका a प्लस बी बन गया, तो फर्स्ट में से सेकंड को सॉल्व करके बस आपको सॉल्व करना है, क्या करना है आपको वल्ली सॉल्व करना, अच्छे से सॉल्व कर देंगे आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई अगर कैलकुलेशन से अगर प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा और आपका कैलकुलेशंस आपका आ जाएगा, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूँगा, बिल्कुल मत घबराइए, ऐसा आप लोग साथ लगे रहिए, जितनी भी बच्चों वीडियो होती है उसको कंप्लीट देखा करिए आप लोग बच्चों, अगर हर एक वीडियो देखेंगे आप लोग तभी आपको कुछ समझ में आएगा, सोचिए कि हम आप लोग आधे घंटे या एक घंटे जितने भी वीडियो आपकी बनती है टोटल आप लोग वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा, ये भी छोड़ देते हैं तो आपको जो बातें हैं क्लियर नहीं हो पाएंगी। अब हम चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे आपका। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे करवाने हैं बच्चों। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है। अगला है आपका बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका क्या है जीरो है। बिल्कुल घबराना नहीं है। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है और बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका जीरो है। और आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है बहुत बार आपका पूछा गया क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो जितने भी सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है मैं आपका करा रहा हूँ। बिल्कुल मत घबराइए, साथ में लगे रहिए, बने रहिए आप लोग। देखिए इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए, अरे प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी। कोई दिक्कत? देखिए आपका ए एक्स प्लस बी वाई कांस्टेंट टर्म को राइट साइड कर दीजिए तो माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए, प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस बी। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लीजिए फर्स्ट। अब देखिए आपका बी एक्स माइनस ए वाई कहाँ से, बी एक्स माइनस ए वाई है, जब माइनस ए माइनस बी जब राइट साइड जाएगा बच्चों तो आपका हो जाएगा दोनों प्लस। इक्वेशन नंबर इसको क्या बनाइए सेकेंड। बस एलिमिनेशन मेथड से आप कर दीजिए, आप किसी से भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों अरे यहाँ वाई का कोएफिशिएंट कितना है बी है और यहाँ वाई का कोएफिशिएंट कितना है माइनस ए है। आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं जिससे कि आपका वाई का कोएफिशिएंट दोनों आपका सेम बन जाए और वाई का जो टर्म है इलिमिनेट हो जाए। तो बताइए आप लोग क्या करूं मैं, बताइए तो। अच्छा क्या आपको समझ में आ रहा है, सोचिए जरा सोचिए, क्या आपको समझ में आ रहा है, आ चुका है समझ में? चलिए करते हैं इसको। देखिए अगर वाई का कोएफिशिएंट इस वाले ए से इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आपका ए बी हो जाएगा, इस बी से इसमें कर दें तो यहाँ भी ए बी हो जाएगा। तो वाई का कोएफिशिएंट बराबर हुआ कि नहीं हुआ, कर दीजिए, लेकिन लिखना पड़ेगा एक लाइन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग आपका इक्वेशन फर्स्ट बाई इसके वाले से ए से एंड सेकेंड को किससे बाई बी से। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी है और आपने क्या लिखा है कि मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई ए ना, फर्स्ट बाई ए तो फर्स्ट आपका ही है। तो अब इसको ए से मल्टीप्लाई करिए, तो ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब इधर भी ए का मल्टीप्लाई, इधर भी ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए का एम करिए ए स्क्वायर माइनस ए बी। अरे इसको बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है? अब देखिए अब आपने क्या लिखा है सेकेंड में, किसका बी का, सेकेंड आपका क्या, देखिए सेकेंड आपका बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो सेकेंड में किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, बी का करना है, कर दीजिए बी का, बी का इधर भी किसका बी का कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा बताइए, बी इंटू बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू बी का करिए आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका फोर। अब देखिए थर्ड और फोर्थ को बहुत घूर के देखिए, घूर के देखिए इधर, अरे वाई का कोएफिशिएंट इधर प्लस ए बी है, अरे वाई का कोएफिशिएंट इधर माइनस ए बी है। तो क्या करिए इक्वेशन थर्ड को फोर्थ को अगर जिस दिन जोड़ देंगे तो आपका वाई वाला टर्म बच्चों इलिमिनेट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं बच्चों। थर्ड क्या लिख लीजिए आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है बच्चों। बी स्क्वायर एक्स माइनस आपका ए बी वाई इज इक्वल टू आपका ए बी है और प्लस आपका बी स्क्वायर है। तो क्या करने वाला हूँ बताइए आप लोग, जोड़ दे के घटा दे, जोड़ दीजिए ना। अच्छा चलिए जोड़ देते हैं, आपके ए बी वाई माइनस ए बी वाई आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए आपका ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐड करना। देखिए ऐड कर दिया, दिखा दे रहा है, हाँ बिल्कुल एक्स एक्स का कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, अरे वाह
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बहुत ही छोटा सा आपका आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी है, और जब ये जब डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में जब डिवाइड में जाएगा तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, जब इनटू में जब इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, कैंसिल होगा तो एक्स इक्वल कितना आपका वन आ गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वीडियो पॉज करिए, आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके मुझे बताइए कि y की वैल्यू क्या आ रही है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जरूर लिखिए। बच्चों देखिए आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या देखिए आपका ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी है, और आपको क्या करना है, x की जगह वन पुट करना है। अरे कर दीजिए बच्चों, a इंटू x की जगह वन प्लस बी वाई इजकल टू ए माइनस बी के, तो ए इंटू वन आपका ए होगा, ए प्लस बी वाई इजकल टू ए माइनस बी के, तो बी वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, जब ए राइट साइड जाएगा तो आपका माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो फाइनली आपका बी वाई इजकल टू कितना के बताइए आप लोग, तो बी वाई इजकल टू माइनस बी के ना, तो वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई बी बोले तो माइनस वन, बी में बी का डिवाइड करेंगे वन, लेकिन माइनस है तो माइनस वन। तो फाइनली मैं आपका आंसर लिख दे रहा हूँ बच्चों, फाइनली आपका एक्स इजकल टू वन आ गया, वाई इजकल टू कितना आ गया आपका माइनस वन, तो फाइनली आपका यही क्या रहा आंसर रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछा गया क्वेश्चन से बच्चों, इस कंप्लीट वीडियो को अगर बच्चों अगर आप लोग देख लिए तो याद रखिएगा, आपका एक से लेकर के दो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे, 100% बच्चों फंस जाएंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम करने वाले हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल मत घबराइए, साथ में आप लोग बने रहिए, लगे रहिए बच्चों। मैं जल्द ही, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बच्चों मैं जल्द ही आपको लाइव आने वाला हूँ बच्चों, तो प्लीज़ बस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग कमेंट के माध्यम से, मेरी पूरी टेक्निकल टीम और पूरे सहयोगीगण का आप लोग मनोबल ऊंचा करिए, ताकि सभी लोग एक पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकें। बच्चों मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बस अगर आप लोगों का बच्चों बस सहयोग रहा, मात्र सहयोग रहा, और तो मैं बच्चों आप लोगों के लिए मैं दिन रात काम करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते इतना तकलीफ होती है रूम चेंज करना तक पड़ जाता है हम लोगों को इस विषम परिस्थिति में, कर्ज हमारे ऊपर बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत लोगों से ले चुका हूँ, अब हमारे अंदर कर्ज लेने की हिम्मत अब किसी से नहीं है, तो प्लीज़ एक आप ही लोग हैं जिससे मैं अपनी बातों को कह सकता हूँ और आप लोग मुझे समझ सकते हैं, तो प्लीज़ जितना भी हो सके बच्चों मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए, मेरी इस पूरी टेक्निकल टीम के लिए, आप लोग प्लीज़ वीडियो शेयर करिए, और बच्चों आप लोग कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और बच्चों अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर चाहते हैं आप लोग कि मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों मुझे तो कहीं डर लग रहा है अब तो, कि ऐसा ना हो कि सब कुछ फिनिश हो जाने पर, डाटा ख़त्म हो जाने पर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं YouTube से बहुत दूर ना चला जाऊं, मुझे बहुत डर सा लगने लगा है, इसलिए मैं आप लोगों से अपनी बातों को आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अदरवाइज़ देखिए 3 महीने था, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, जैसे तैसे करके चल रहा था, एक एक दिन बीत रहा था, लेकिन अब हम लोगों का इनकम हर तरफ से बंद हो चुका है, कहीं से कुछ भी इनकम नहीं है, बाहर रहना बच्चों सब कुछ खरीद के खाना पीना पड़ता है, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से अपनी बातों को कह रहा हूँ, प्लीज़ जितना भी हो सके बच्चों, बस आपको एक ही काम करना है, जितना भी अधिक से अधिक हो सके बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग भी
सर्वाइव कर सकें और आप लोगों के साथ हमेशा कंटिन्यू इसी तरह लगे रहें, पढ़ते पढ़ाते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे यूट्यूब से दूर जाना पड़े, मैं ऐसा चाहता ही नहीं बच्चों। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल मैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा बच्चों। चलिए हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने बच्चों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ, लगे रहिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन और भी बहुत सारे कराता हूँ, आप लोगों को एक भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है बच्चों। वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए बच्चों। चलिए लिखिए सारे लोग। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इसको सबसे पहले लिख लीजिए। और टू ब्रैकेट में ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आपका ए प्लस फोर बी इसकल टू आपका जीरो है, और टू ब्रैकेट में बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस फोर ए इसकल टू जीरो। ये आपका 2014 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2004 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, इस टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो कांस्टेंट इसको राइट साइड कर देंगे, फिर वाई का कोएफिशिएंट क्या करेंगे आप इक्वल बना करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसका आंसर बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम लोग इसका रिप्लाई करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम लोग इसका रिप्लाई करेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, होमवर्क में आपका रहेगा। मैं आपका अगला क्वेश्चन कराने वाला, चूंकि सिंपल आप क्वेश्चन बच्चों कर सकते हैं इसलिए मैं इसको रेस कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करिए मेरे साथ। आपका ए बाई बी यक्स है माइनस बी वाई बाई आपका ए है इज इक्वल टू ए प्लस बी है। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ए एक्स है माइनस आपका बी वाई है इज इक्वल टू आपका टू ए बी है। देख सकते हैं बच्चों कि ये आपका, देख सकते हैं आपका यही क्वेश्चन है, बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए आपका एक क्वेश्चन है, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में बना लीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत, देख सकते हैं कि ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर एक्स माइनस बी का बी में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर वाई अपान के, ए का बी में करिए ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने भी कुछ किया नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हूँ जो कि बहुत सिंपल आप लोग खुद जानते हैं, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट आने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, इस ए बी का मल्टीप्लाई ए में भी होगा और किस में आपका बी में भी होगा। जब ए बी का मल्टीप्लाई बच्चों ए में करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का मल्टीप्लाई जब आप बी में करेंगे तो ए बी स्क्वायर, सिंपल है ना। चलिए अब क्या बस हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप क्या कर चुके हैं तैयार कर चुके हैं। अब देखिए सेकेंड आपका बना हुआ है, बनाना नहीं है, आपका क्या ए एक्स है माइनस बी वाई इज इक्वल टू आपका टू ए बी है, ये क्वेश्चन सेकेंड आपका है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ क्या वाली बी है, आप क्या करेंगे मुझे बताइए। तो बस इक्वेशन सेकेंड में दोनों पक्षों में अगर बी का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ बी आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कर दीजिए, यही मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, बी का इसमें भी करिए, बी का इसमें करिए, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका ए बी एक्स हो जाएगा माइनस बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू ए बी इंटू बी कितना बी स्क्वायर, और इक्वेशन में क्या बन गया आपका थर्ड बन गया। अब फर्स्ट को थर्ड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे बताइए आप लोग। देखिए ए बी माइनस ए बी माइनस मतलब आपका सेम साइन है, सेम साइन है तो सबट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट में से थर्ड को सबट्रैक्ट कर दीजिए, कर दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, क्लियर है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया गया। थर्ड क्या देखिए, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये देखिए प्लस बी स्क्वायर वाई, ये माइनस बी स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा ये कैंसिल, क्या बचेगा देखिए इधर बचेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स बचेगा, इधर क्या बचेगा देखिए माइनस ए बी लिखेंगे ना, प्लस नहीं, यहाँ क्या ए स्क्वायर बी है प्लस आपका ए बी स्क्वायर है, माइनस कितना टू ए आपका बी स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, और देखिए कुछ कामन है, हाँ यहाँ भी ए है और इसमें भी ए है, तो क्या करिए आप कामन ले लीजिए, क्या कामन आप ए एक्स कामन लीजिए, और एक्स कामन लेने का मतलब बच्चों होता है कि इसका एक्स का डिवाइड आपको इसमें भी करना है और इसमें भी करना है, डिवाइड करना है, तो ए स्क्वायर एक्स में जब एक्स का डिवाइड करेंगे तो एक ए कैंसिल होगा, एक्स तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका ए बचेगा, उसके बाद माइनस इस ए बी एक्स में आप जब एक्स का डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, आपका क्या बचेगा बी, तो लिख लेंगे ए माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर बी है या ए बी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर क्या है बेटा लाइक टर्म्स है, क्या है लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो प्लस ए बी स्क्वायर में से माइनस टू ए बी स्क्वायर करेंगे तो आपका देखिए आपका ए स्क्वायर ये तो बी रहेगा ही, अब देखिए ये माइनस टू ए बी स्क्वायर है, ये प्लस आपका ए बी स्क्वायर है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस आपका ए बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, देखिए देखिए टू ए माइनस टू ए बी स्क्वायर में से प्लस ए बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, अब क्या चलिए हल कर लीजिए, अब कितना हो जाएगा राइट साइड देखिए कुछ कामन है, बिल्कुल हाँ क्या कामन है ए बी कामन है, जब ए बी कामन लेंगे तो आपका बचेगा इधर ए माइनस बी, देख सकते हैं बच्चों नहीं बचेगा क्या, ए बी का जब डिवाइड इसमें करेंगे तो एक ए से ए कटेगा, बी तो कैंसिल हो जाएगा ए बचेगा, अब ए बी के डिवाइड जब क्या करेंगे ए बी स्क्वायर में करेंगे तो ए से कैंसिल, एक बी से बी कटेगा एक बी बचेगा, लिख दिया गया किसके बराबर आपका यक्स इंटू ए और a माइनस बी, देखिए x यहाँ लिख दिया इंटू देखिए a है और a माइनस बी है, तो x इसका लिए कितना हो जाएगा ए बी और फिर a माइनस बी अपान के a और a माइनस अब बी के, अब ए बी से ए बी कैंसिल, आपका a से a कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया x बराबर कितना आपका b आ गया, अब क्या करेंगे पुटिंग पुटिंग x इजकल टू बी इन इक्वेशन नंबर, चलिए किसी में पुट कर दीजिए आपकी मर्जी है, चलिए मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट आपका क्या देखिए फर्स्ट क्या होता है ए स्क्वायर एक्स है ना, तो ए स्क्वायर आपका x है क्लियर है, ये चलिए सेकेंड में पुट कर दीजिए और आसान हो जाएगा, सेकेंड में पुट करिए कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, सेकेंड देखिए क्या था बताइए, सेकेंड आपका ए एक्स था, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू टू ए बी, देख सकते हैं आपका ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू कितना टू ए बी, इसी को इक्वेशन में क्या माना गया था सेकेंड, चलिए एक्स की वैल्यू बी पुट करिए, ए एक्स की वैल्यू कितना बी, अब माइनस बी वाई इज इक्वल टू कितना के टू ए बी के, तो ए बी हो जाएगा इधर माइनस बी वाई इज इक्वल टू कितना के टू ए बी के, अब कितना हो जाएगा बताइए ए बी टू ए बी के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू ए बी, अब माइनस बी वाई को राइट साइड कर दीजिए तो प्लस बी वाई, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस ए बी इज इक्वल टू कितना के बी वाई के, और बी से बी आपका बी क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ए इज इक्वल टू कितना के वाई के, अर्थात वाई के वैल्यू कितना आ गई आपकी माइनस ए आ गई, तो फाइनली आपका एक्स इज इक्वल टू आपका बी और वाई इज इक्वल टू कितना आपका माइनस ए, तो फाइनली आपका बच्चों यही आंसर होगा कि आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ कितना y इज इक्वल टू आपका माइनस ए है और x इज इक्वल टू कितना आपका b है, तो फाइनली आपका यही आंसर रहा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं बच्चों या स्क्रीन आप लोग शॉर्ट भी ले सकते हैं जैसे भी सुविधा हो, और आप मेरे साथ साथ कर ही रहे होंगे तो आपका हो भी गया होगा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों प्लीज़ इसको आप लोग नोट करिए, अब हम मूव करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने हैं, चलिए सारे लोग लिखिए आप लोग जल्दी से जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग कितना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपका रूट टू एक्स है माइनस रूट थ्री वाई है इज इक्वल टू ज़ीरो है, और यहाँ क्या है रूट फाइव एक्स है प्लस रूट टू वाई है इज इक्वल टू जीरो है, देख सकते हैं बच्चों आपका ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, चलिए इसको मैं कराता हूँ, देखिए कैसे करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ देखिए रूट थ्री है यहाँ रूट टू है और वाई का कोएफिशिएंट आपको बराबर करना है, तो रूट टू कैसे में कर दीजिए रूट थ्री कैसे में कर दीजिए, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने जा रहा हूँ क्लियर है,
तो देखिए सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए रूट टू का करिए, तो इधर भी रूट टू का, इधर भी रूट टू का, कोई दिक्कत नहीं। इसमें किसका रूट थ्री का, इसमें भी किसका रूट थ्री का, चलिए कर दीजिए। तो आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि रूट ए इंटू रूट ए आपका ए होता है, और रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू आपका अंडर रूट ए भी होता है। इस दो फार्मूलों को याद रखे रहिएगा। चलिए करिए, ये कितना आ जाएगा, तो रूट टू इंटू रूट टू प्लस माइनस, बच्चों माइनस सॉरी माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो इंटू समथिंग आपका जीरो। हल कर लिए, रूट टू में रूट टू का, देखिए रूट टू में रूट टू का ए हो जाएगा तो आपका टू हो जाएगा, माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री कितना होगा आपका रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए भी होगा तो रूट टू इंटू रूट थ्री कितना होगा आपका रूट टू इंटू रूट थ्री, मतलब आपका रूट कितना रूट टू इंटू थ्री हो जाएगा, बोले तो रूट सिक्स हो जाएगा। तो इसको लिख देना रूट सिक्स वाई इज इक्वल टू कितना के जीरो। इसको मैं रेस करता हूँ, अब देखिए इधर कितना हो जाएगा रूट थ्री इंटू, बोलिए आप लोग इसको बनाइए क्या, चलिए इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, चलिए सेकेंड में मल्टीप्लाई करिए रूट थ्री इंटू रूट फाइव प्लस रूट थ्री इंटू रूट टू, देखिए रूट थ्री का दोनों में कर दिया इजिकल टू, इधर कितना हो जाएगा आपका जीरो। रूट थ्री इंटू रूट फाइव कितना हो जाएगा थ्री फाइव जब फिफ्टी रूट फिफ्टीन हो जाएगा प्लस रूट थ्री इंटू, देखिए वाई आपका है रूट सिक्स वाई हो जाएगा इजिकल टू कितना के जीरो। इसको एक क्वेश्चन में क्या बनाइए सेकेंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं फास्ट जो बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थर्ड है फोर है, ऐड कर दीजिए थर्ड प्लस फोर क्या हो जाएगा थर्ड आपका, देखिए टू माइनस रूट सिक्स वाई इक्वल टू जीरो। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है लिखना भूल गया था सॉरी, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, क्लियर आप लोग एक्स बना लीजिएगा। देखिए आपका साथ साथ एक्स भी चल रहा है, इसको बोलना आपको नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। चलिए आपका थर्ड इक्वेशन आपका क्या हो गया टू एक्स बच्चों ना, बना लीजिएगा सॉरी बच्चों, यहाँ क्या है आपका रूट फिफ्टीन एक्स है प्लस रूट सिक्स वाई इसको कितना के जीरो। चलिए ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, ये टू एक्स है आपका रूट फिफ्टीन एक्स है कितना जाएगा, तो टू एक्स प्लस रूट फिफ्टीन एक्स इसको जीरो प्लस जीरो कितना जीरो हो जाएगा। चलिए एक्स कॉमन कर लीजिए, टू प्लस रूट फिफ्टीन इसकल टू जीरो के एक्स इसकल टू जीरो अपान के टू प्लस रूट फिफ्टीन, तो जीरो अपान के समथिंग कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, सिंपल है एक्स की वैल्यू जीरो। अब क्या करेंगे बच्चों, पुटिंग एक्स इसकल जीरो इन क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट, फर्स्ट क्या बोलिए आप लोग, फर्स्ट क्या देखिए आपका, फर्स्ट आपका था रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री वाई इसको कितना जीरो, एक्स का मान जीरो रखिए तो रूट टू इंटू जीरो माइनस रूट थ्री वाई इजकल टू जीरो के, या आपका ये जीरो हो जाएगा तो जीरो माइनस रूट थ्री वाई इजकल टू जीरो के, क्या आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल। चलिए तो माइनस रूट थ्री वाई इजकल टू आपका फाइनली जीरो, या वाई इजकल टू जीरो अपान के माइनस रूट थ्री, मतलब आपका फाइनली क्या हो गया सब कुछ जीरो, मतलब वाई की वैल्यू कितना आ गई जीरो। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप समझ सकते हैं मैं बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका, या वाई इजकल टू कितना हो जाएगा जीरो अपान के माइनस रूट थ्री, या एक काम करिए पहले देखिए माइनस रूट थ्री वाई स्क्वायर कितना आपका जीरो है, दोनों पक्षों में माइनस वन का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा रूट थ्री वाई स्क्वायर आपका जीरो के, वाई स्क्वायर जीरो अपान के रूट थ्री, या वाई स्क्वायर कितना फाइनली आपका जीरो आ गया। तो आपने देखा कि एक्स की वैल्यू भी कितना जीरो और वाई की वैल्यू कितना आपकी जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। मैं आपको एक बार इसका हैंड और दे देता हूँ, करना क्या बच्चों इसमें कि आपका देखिए यहाँ रूट थ्री वाई है या रूट टू वाई है, तो रूट टू का इसमें रूट थ्री का इसमें कर देंगे, वाई वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा बराबर, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आपका एक्स क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। जब एक्स जीरो आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे किसी एक क्वेश्चन में, तो आपका वाई भी कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, जो कि मैं आपको करके दिखा दिया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मैं बच्चों अब आगे चलूँगा, वीडियो आपकी बहुत लंबी होती जा रही है, अपलोड करने में हो सकता है एक दो दिन लग जाए। चलिए देखिए आपका एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे आपके, एक सबसे पहले आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। चलिए तो लिख लीजिए 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 123 के, और 43x प्लस 37
y इज इक्वल टू 117 के। बच्चों इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं, सारे लोग इसको वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिए इसका जवाब क्या होगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसको लिखने, बच्चों आप लोग जरूर लिखिए, हम लोग इसका रिप्लाई जरूर करेंगे आप लोगों को। अब देखिए कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो कि बहुत सारे आपको कराने हैं, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम हो रही, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए आपको करा देता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन एक है, देखिए आपका यक्स प्लस वन अपान के टू प्लस वाई माइनस वन अपान के थ्री इज इक्वल टू एट है। अगला है आपका यक्स माइनस वन अपान के थ्री प्लस वाई प्लस वन अपान के टू इज इक्वल टू नाइन। बच्चों आपका ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको आगे इस क्वेश्चन को करने हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, आपको x प्लस वन वाई माइनस वन ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ आपको u और b लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेट भी कर सकते हैं लेकिन लेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। देखिए थ्री का मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा आपका, थ्री एक्स प्लस कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए तो थ्री का करूँगा तो दोनों में करूँगा ना, इस बात को ध्यान देना। टू का करिए कितना हो जाएगा, टू आई माइनस टू अपान के टू थ्री जो आपका सिक्स इज इक्वल टू कितना के एट के। अब देखिए थ्री एक्स और टू वाई लिख लीजिए, थ्री एक्स प्लस टू वाई, ए प्लस थ्री है माइनस टू है, कितना हो जाएगा आपका प्लस वन इजकल टू आठ छक अड़तालीस ना 48, तो थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 47। इक्वेशन में फर्स्ट आपका तैयार, देखिए 48 है वन उधर जाएगा माइनस वन तो 47, इसको भी हल कर लीजिए कितना हो जाएगा बताइए आपका, 2x माइनस टू अब प्लस कितना हो जाएगा बताइए, तो 3y प्लस थ्री इजकल टू कितना अपान के थ्री टू सिक्स इजकल टू नाइन के, तो 2x प्लस 3y ये कितना हो जाएगा आपका प्लस वन इजकल टू कितना हो जाएगा नौ छक चौवन, ठीक है छनवा चौवन। अब कितना 2x प्लस 3y इजकल टू कितना हो जाएगा 53, क्वेश्चन में कितना आपका फर्स्ट था इसको सेकेंड बना लीजिए, क्लियर है चौवन है उधर एक जाएगा माइनस होगा तो 53। अब इन दोनों क्वेश्चनों को आपको क्या करने हैं सॉल्व करने हैं, तो आई होप आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस वाले में क्या कर दीजिएगा, दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इस वाले में दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप 2 का कर दीजिएगा, वाई वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसका भी आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर भी जरूर आप लोग लिखिए। तो मैं इसको इतना पर छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं इसके आगे। अब हम मूव करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है, देखिए आपका यक्स वाई अपान के यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका सिक्स अपान के फाइव है, और आपका यक्स वाई अपान के आपका वाई माइनस एक्स अच्छा इजकल टू आपका क्या है सिक्स है। आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए हाँ, तो सोच रहे होंगे कि यार इसका ऐसा कैसे करें क्या करना चाहिए हा? तो बिल्कुल मत टेंशन लीजिए, आप एक काम करिए कि एक्स प्लस वाई और इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं कि नहीं हु? रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों पक्षों का, एक्स प्लस वाई ऊपर चला गया इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स प्लस वाई अपान के एक्स वाई, फाइव ऊपर चला गया और सिक्स नीचे चला आया। अब एक्स वाई का दोनों में आप डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर दीजिए, तो एक्स अपान के एक्स वाई प्लस वाई अपान के एक्स वाई इजकल टू फाइव अपान के सिक्स का। अब एक्स से एक्स कैंसिल वाई से वाई कैंसिल, फाइनली क्या आ गया वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इजकल टू फाइव अपान के सिक्स के, या वन बाई एक्स को पहले लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और वन बाई वाई इजकल टू कितना के फाइव अपान के सिक्स, इक्वेशन क्या बना फर्स्ट बना, कुछ नहीं दिक्कत है बच्चों, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, देखिए बराबर आपका सिक्स ही था देखने के बाद, हाँ नहीं आपका क्या था हाँ सिक्स ही है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बराबर सिक्स ही है। अब देखिए रेसिप्रोकल करिए इसके अपन वन मानिए, तो वाई माइनस एक्स अपान के एक्स वाई इजकल टू वन बाई आपका सिक्स हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए वाई बाई कितना एक्स वाई माइनस आपका हो जाएगा एक्स वाई इजकल टू वन बाई सिक्स के, तो वाई से वाई गया बच्चों एक्स एक्स गया क्या बचा वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई इजकल टू वन बाई सिक्स, इक्वेशन में क्या टू। अब देखिए बच्चों और आपको यहाँ वन बाई यू और वन बाई एक्स को यू और वन बाई वाई को बी भी मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते, क्यों, क्योंकि देखिए वन बाई वाई प्लस है और वन बाई वाई माइनस है आपका कैंसिल हो जाएगा ना, तो मानने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, ऐड कर दीजिए फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड कर दीजिए। फर्स्ट क्या देखिए वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इजकल टू फाइव अपान के सिक्स बच्चों, और आपका सेकेंड क्या है वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई इजकल टू कितना वन बाई सिक्स है बच्चों, ऐड कर दो तो कितना ना वन बाई वाई प्लस है माइनस कैंसिल, तो वन बाई एक्स बताइए ऐड करने पे कितना आएगा
वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, देखिए आपका फाइव अपान के सिक्स है प्लस वन अपान के कितना आपका सिक्स है, देखिए फाइव अपान सिक्स प्लस वन अपान सिक्स, तो कितना जाएगा आपका टू बाई एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू कितना सिक्स प्लस सेम करिए तो फाइव प्लस आपका वन, मतलब फाइनली आपका टू बाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिक्स बाई सिक्स बोले तो वन, मतलब टू बाई एक्स इज इक्वल टू वन के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपका एक्स इज इक्वल टू कितना के आपका टू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू टू इन क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट, ठीक फर्स्ट क्या बोलिए फर्स्ट आपका देखिए वन बाई एक्स है ना, वन बाई एक्स है देखिए वन बाई एक्स तो x की जगह कितना टू प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू कितना आपका फाइव बाई सिक्स है, देखिए फाइव बाई सिक्स है तो कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, तो वन बाई वाई इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स माइनस वन बाई टू, सिक्स एलसीएम लेंगे तो फाइव टू थ्री या सिक्स तो मतलब कितना हो गया थ्री, तो वन बाई वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा टू बाई आपका सिक्स के मतलब आपको वन बाई थ्री के, टू बाई सिक्स तो कैंसिल करेंगे वन बाई थ्री के, तो क्या हो जाएगा दोनों पक्षों को रेसिप्रोकल कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब आपको वन बाई वाई इक्वल टू अगर वन बाई थ्री है इसका मतलब वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका थ्री, क्या आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल हाँ, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका थ्री और एक्स इक्वल टू कितना आपका कितना बोलिए एक्स इक्वल टू टू, तो फाइनली आपका आंसर हो रहा है, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन रहे तो आपको रेसिप्रोकल करके वन बाई एक्स और वन बाई वाई में आपका आ जाएगा। आप यहाँ वन बाई एक्स को यू भी मान सकते थे, वन बाई वाई को बी भी मान सकते थे, अदरवाइज देखिए जब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप लोग इसको कर लीजिए और आपका फाइनली आपका हो चुका है। एक दो क्वेश्चंस और हैं, मैं चाहता हूँ कि करा दूँ या आपका टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन हो ही जाए, तो आपका एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू थ्री आपका आ चुका है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। बच्चों आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं इसको भी रेस करता हूँ आपका। चलिए एक दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, लंबी बहुत वीडियो आपकी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इसको देखिए आप लोग चलते चलते में आपका एक क्वेश्चंस और हो जाए, ये आप लोग कर सकते हैं वैसे। देखिए क्या है आपका सेवन एक्स माइनस टू वाई इसकल टू आपका एक्स वाई इसकल टू कितना आपका फाइव है, और अगला आपका एक्स एट एक्स प्लस सेवन वाई अपान के एक्स वाई इसकल टू आपका क्या 15 है, और आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आप क्या करिएगा x y का दोनों में डिवाइड कर दीजिएगा, इधर भी x y का दोनों में क्या करिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, आपका 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई आ जाएगा, और आप 1 बाई एक्स को u मान लीजिएगा और 1 बाई वाई को v मान लीजिएगा, वैसे कर लीजिएगा, अदरवाइज आप वैसे भी आप ऐड करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप कर सकते हैं बच्चों। तो इसका भी आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मेंशन करिए और हम लोग इसका रिप्लाई आप लोग को जरूर करेंगे। तो अब क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि लगभग में आपके सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ मैं आप लोगों को और होमवर्क देना चाहता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करने बच्चों। तो चलिए लिखिए आपका होमवर्क में पहला क्वेश्चन लिखिए, एक्स प्लस आपका सिक्स बाई वाई इज इक्वल टू आपका कितना है सिक्स है, और अगला है आपका 3x माइनस एट बाई वाई इक्वल टू कितना है आपका 5 है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी क्वेश्चंस में सारे पूछे को क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूँ, करिए आप लोग। और अगला क्वेश्चन आपका है लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू टू है, और अगला कामा करके है आपका ए एक्स, एक मिनट क्या x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू कितना कि टू है, हाँ ए एक्स है सही है, माइनस बी वाई इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन से लिख लीजिए सारे लोग, आपका है थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू जीरो है कामा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन और लिख लीजिए, लिखिए आप लोग सारे लोग, ए एक्स माइनस बी वाई इजकल टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और अगला आपका क्वेश्चन है भाई क्या है, हाँ एक्स प्लस वाई इजकल टू आपका कितना है आपका टू ए है, क्लियर है एक्स प्लस वाई इजकल टू ए। अगला क्वेश्चन और लिख लीजिए, बी एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई बी इजकल टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और आपका एक्स प्लस वाई इजकल टू आपका कितना है टू ए बी है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं क्या आप लोग नोट कर चुके हैं, कुछ और लिख लीजिए आप लोग, पांचवा है ये आपका छठा हो जाएगा, देखिए क्या है आपका बी एक्स बाई ए माइनस ए वाई बाई बी इज इक्वल टू आपका ए सॉरी
आपका ऐसे करके दिया है प्लस ए और प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है। अगला लिख लीजिए क्वेश्चन बी एक्स माइनस ए वाई और प्लस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो है। उसके बाद आपका पाँचवा गया छठवां सातवां भी लिख लीजिए। आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बोल दे रहा हूँ, कर लीजिए। हाँ एक क्वेश्चन और लिख लीजिए बच्चों चलते चलते में। 71 आपका यक्स, हाँ 71 यक्स है प्लस 37 वाई इजकल टू 253 के। उसके बाद आपका 37 यक्स प्लस 71 वाई इजकल टू 200 आपका 287 है। तो बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको लगाने हैं। आपका जो कैमरा था थोड़ा सा आपका घूमने की वजह से आपका नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अब क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, देखिए आपका मूव करने की वजह से दिक्कत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। बी एक्स अपान के ए है माइनस ए वाई अपान के बी, फिर प्लस ए प्लस बी स्क्वल टू आपका जीरो है। उसके बाद बी एक्स माइनस ए वाई प्लस टू ए बी स्क्वल टू आपका जीरो है। 71x है, देखिए 71x है प्लस 37y इक्वल टू 253 के है, और 37x प्लस 71y इक्वल टू 200 आपका 87 है। जो आपको क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो बच्चों बस आप लोग पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्या आप लोग नोट कर चुके हैं या स्क्रीन शॉट आप लोग ले लीजिए। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, और चलते चलते मैं आप लोगों से पुनः एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करिए, और आप लोगों की एनसीईआरटी बुक, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल लाइव क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा, तो आपके टोटल चैप्टर का एक ही क्लास में आपके टोटल चैप्टर से चैप्टर मैं फिनिश कर दूँगा, 3-4 घंटे के आपके लाइव क्लास चला दूँगा बच्चों, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेने, मैथ के आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने हैं। बच्चों मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि बच्चों मैं लगातार 12 घंटे खड़ा होकर पढ़ाता हूँ। जब हम लोगों का पूरा सब कुछ खुला रहता है तो हम लोग बच्चों सुबह आपका 6 बजे से ही कार्यक्रम स्टार्ट कर देते, लगातार शाम के 6 बजे तक हम लोग पढ़ाते रहते हैं। तो बच्चों अब तो सब कुछ बंद हो चुका है, बस एक आपका जो जरिया है ऑनलाइन का, यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं लाइव आकर के बिल्कुल वैसे ही आपको फील ही नहीं होने देंगे कि आप लोग क्लास से बहुत दूर हैं, आपको ऐसा लगेगा कि क्लास में ही बिल्कुल हैं, आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल बाधित नहीं होगी। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को जितना भी अधिक से अधिक हो सके आप लोगों को वीडियो शेयर करना पड़ेगा, ताकि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ। तो बच्चों आपके वीडियो शेयर करने मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी पैसा आप लोगों का खर्च होता होगा। तो प्लीज़ अगर हम लोग अगर आप लोगों के लिए अगर इतना कुछ सब कुछ कर रहे हैं, और आज हम लोगों की ऐसी कंडीशंस हो गई है जिससे हम लोग का सर्वाइव करना भी यहाँ बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए हम लोग लगे हुए हैं, कंटिन्यूस आपकी वीडियो बनती जा रही है, फिर भी हम लोग रुके नहीं। तो बस ये आप लोगों के लिए, और हम लोग बच्चों हम लोग भी घर जा सकते थे लेकिन हम लोग घर नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर घर जाने पर आपकी वीडियो बन नहीं पाएगी, आपकी टोटल पढ़ाई रुक सकती थी, इसलिए हम लोगों ने इस लॉकडाउन में टोटल 3 महीने में हम लोगों ने घर गया ही नहीं, बस ताकि आपके लिए वीडियो लगातार बनती रहे और आप लोग पढ़ते रहें। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी अधिक से अधिक हो सके बच्चों प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम लोगों का मनोबल ऊंचा हो सके और हम लोग अच्छे से अच्छे काम कर सकें। और बच्चों अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, सच में अगर आप लोगों का कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा बच्चों, तो प्लीज़ लाइक करना बच्चों, एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बच्चों किसी भी टीचर्स का बच्चों अगर टीचर्स के लिए अगर आप लोग कुछ कर सको तो बच्चों उसके लिए आप लोग सम्मान दे सको, उसके अलावा उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों। तो प्लीज़ अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं
आप लोग मेरा मनोबल ऊंचा करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर सकते हैं। बच्चों बस अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा, आपका एक्सरसाइज पर, आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन ट्यूटोरियल सेल आपका 3.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशंस लेकर आने वाला हूं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।